सर, जी बताइए अब। मैं पूछ रही थी कि W2 और W3 अगर कटा हुआ है तो वहां मतलब जगह थोड़ी है, तो वहां क्या लॉकर रख सकते हैं? W2 W3 कभी कटा ही नहीं होता, W2 W3 एंट्रेंस होता है। तो अब जब भी ऐसे बात करो ना तो जोन बोलने का, समझ गए? W2 W3 S2 S3 W1 ये सारे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पद है। जब भी हम किसी कोने की कट होने की बात करते हैं तो हमको कोने का जो नाम है, जैसे WSW हो गया, वैसे हमको बताना है, समझ गए? सर ये एक्चुअली हमारा जो घर है उसमें ये एरिया सिर्फ शाफ्ट में आता है W2 और W3, जी तो वो शाफ्ट कटी हुई है ना, बनी हुई है स्क्वायर, हाँ, वो कटी हुई है तो फिर वो कटी हुई हुई ना। जी, उसकी ओनरशिप आपकी नहीं है, वो सारी चीज कटी हुई हुई। मतलब जैसे जो फ्लोर हमारा है तो उसमें 2 और 3 दोनों ही नहीं है, राइट, तो तो आपको उसमें हम क्यों चाहिए? पर मतलब एंट्रेंस कौन सी है, क्यों आपको एंट्रेंस डब्ल्यू टू नहीं डब्ल्यू है, थ्री चाहिए? ये एंट्रेंस तो नहीं है, एंट्रेंस तो मेरी S1 की है, लेकिन मैं पूछ रही थी कि अगर हमें वहां पर लॉकर रखना हो लिक्विडिटी को, या मतलब अपने को मनी, 4 और 5 में रखना है, 2 3 में कहाँ रखना? और वेस्ट में फाइव तो भी, W4 W5 आएगा। W4 और W5 में भी शाफ्ट आ रही है। अच्छा, तो उसके पहले आएगा ना, ब्रह्मस्थान से वेस्ट का पूरा एक पिज्जा का स्लाइस निकलता है। तो जब आप मैप देखेंगे ना, मैं आपको बता मैं दूं, तब आपको आप समझा मुझे दे, बता। मैं नहीं, ये चीज क्लियर हो जाए सबके लिए वो बेहतर है। मैं किसी का मैप खोल के आपको समझा देता हूँ। सर मैं अपना ही भेजूं? नहीं, वो फिर थोड़ा ठीक है, पार्शियलिटी इट्स ओके। नहीं टाइप्स हो जाएगा कि मैंने आपका ठीक ले है, लिया, फिर मेरे ठीक को है ठीक सबका है लेना पड़ेगा। ठीक है सर। सर एक सेकेंड। जैसे कोई एरिया अगर शाफ्ट में आ रहा है तो वो कटा हुआ एरिया है उस घर का? एक मिनट मैं थोड़ा एसर का, मेरा खुद का एसर का प्रोसेसर लगता है अभी मेरे को, थकान की वजह से। तो मैं एक चीज एक साथ करते हैं अपने, दो दो मिनट। हाँ, शेयर स्क्रीन, ये रहा नक्शा, ठीक है? अभी जैसे ये मैडम बता रहे हमको कि उनका ये, आपको कर्सर दिख रहा है मेरा? हाँ सर, हाँ हाँ, जी ये सर, बोल रहे हैं कि मेरा ये पूरा जो पार्ट है वो शाफ्ट में जा रहा है, तो मुझे अगर लॉकर रखना है तो कहाँ पे रखूँ? तो वेस्ट हमारा, यहाँ से ये जो पूरा पिज्जा का स्लाइस बन रहा है, ये जो पूरा ट्रायंगल, वो पूरा हमारा वेस्ट कंसिडर किया जाता है। अगर इसके एंड पे रखो तो सबसे बढ़िया, बट अगर ये हमारा, जैसे इसके इन इन इनके घर में ये सीढ़ी आ रही है, ठीक है, तो अगर ये वेस्ट यहाँ पे भी रखे तो भी वो वेस्ट ही गिना जाएगा, ठीक है? जी सर, राइट सर। जी, सर और एक कोई मिनट, दिक्कत? मैं जो मैं लेके कॉर्नर तक वो पूरा एक वो सवाल पूछना डायरेक्शन चाहता गिना हूँ श्रेयांश जाएगा। भाई। हाँ श्रेयांश बताइए बताइए। भाई, यस यस बॉस। एक एक केस स्टडी मैंने भी किया है, हमारे एक जानकार है, तो मैं सोचा कि और उनका कैसा है। हम लोगों ने वो ड्राफ्टमैन से बना के बकायदा, और मुझे मतलब इतना ऑटोकैड आता नहीं था, तो सुभाष जी से हेल्प लेके मैंने किया। सुभाष जी अपने साथ नहीं है कोर्स में, जी तो उनके साथ एक बड़ा वियर्ड इंसिडेंट हुआ है। 2020 में फरवरी में उन्होंने एक घर लिया, 3 बेडरूम जी ऑल किचन, और उसमें फैमिली, फादर मदर, दो बेटे, बहू और बच्चा शिफ्ट हुए, राइट और 8 महीने के अंदर अक्टूबर मंथ में उनके फादर की डेथ हो गई। ओके। और 2021 में सेम डे जब फादर की डेथ हुई थी, मदर की डेथ हो गई। एंट्री निकल के आ रही है S4 S5 S6, जी और दोनों टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो तो कैसे मतलब डेथ मैं तो हुई? आगे, फादर का तो मतलब कोई एलिमेंट का इशू नहीं था, लेकिन उनको अचानक हार्ट अटैक आया, तो ओके उनको ओके एंजियोग्राफी करने के लिए बॉम्बे ले गए, और वहां पे कोविड में टेस्ट करते थे पहले ना, कोई भी जाता था तो बोले कोविड है, कोविड करके वार्ड में डाल दिया, तो वो एक्सपायर हो गए। राइट और मदर के केस में क्या हुआ कि मदर के केस में कुछ अजीब घटना ऐसी हुई कि वो डायबिटिक पेशेंट थी बहुत टाइम से, बट जी ये लेकिन वो डॉक्टर मेडिसिन देता ही था, कोई टेस्ट वेस्ट करता नहीं था, तो जी वो उनको मतलब एंड में ऐसा पता चला कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई ड्यू टू एक्सेस मेडिसिन। अच्छा
ये मतलब मतलब कि नॉर्थ ईस्ट ने घर, अपना काम कर दिया, बट इतना अच्छा हुआ कि हाँ उनका जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो नहीं हुआ, डेथ हो गई हाँ बट न्यूरोलॉजिकल इश्यू नहीं हुआ। हाँ और उसके बाद से जब से घर में शिफ्ट हुए हैं, जी मतलब उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लेकिन उनका मतलब डाउनफॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आ रही है अभी, तो वो मुझे समझ में आया कि शायद साउथ की एंट्री की वजह से है ना, हाँ, इस तो फॉरेस्ट वजह से। वो हो सकता है। और पूरा अगर मैप हो तो हम ये क्लास में, अगर टाइम मिले तो ये क्लास में, वरना अगले क्लास में हम केस स्टडी के तौर पे वो मैप ले लेंगे। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो हम लास्ट में थे, हमने पढ़ा था मेन डोर के एंट्रेंस के बारे में, मेन डोर मेन गेट कहाँ होना चाहिए, उसका क्या क्या परिणाम है। अभी दरवाजे, ये मेन गेट हो गया प्लॉट का, मेन डोर हो गया। अभी नेक्स्ट वेद, मेन डोर के सामने वेद, वेद यानी ऑब्स्टेकल। कोई सा भी ऑब्स्टेकल आपके घर के मेन दरवाजे के बाहर आ रहा है तो उसे वेद कंसिडर किया जाता है, राइट? तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिख रहा है अगर आपको सबको, तो द्वार वेद। तो ये द्वार वेद हमारा मेन वेद है, तो हमारे दरवाजे के सामने कुछ भी आ रहा है उसको हम वेद कंसिडर करते हैं। कुछ वेद इतने तकलीफदायी नहीं होते और कुछ वेद बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो टाइप्स कौन से हैं वेद के? तो सबसे पहले है स्वर वेद, ठीक है? अगर आपका मेन डोर या मेन गेट कोई आवाज कर रहा है खुलने में बंद होने में, तो उसे स्वर वेद माना गया है, राइट? ओके, समझ आ रही है सबको? ये एक मेरे बार लास्ट वापस से क्लास में नहीं था ये बताइए पार्ट, क्या है। यस ठीक है? सर, तो वापस आवाज से एक कभी बार भी नहीं सर भी आनी बताइएगा चाहिए। क्या जरा, बोल रहे हो आलोक जी? वापस से एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, दरवाजे के सामने कुछ भी अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसे वेद कंसिडर किया जाता है, यानी ऑब्स्टेकल। उसका सीधा सीधा लिटरल ट्रांसलेशन है ऑब्स्टेकल, ठीक है? तो वेद कई प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला वेद है स्वर वेद। स्वर वेद यानी हमारा मेन डोर या मेन गेट खुलते और बंद होते टाइम अगर कोई आवाज कर रहा है तो उसे स्वर वेद कंसिडर किया जाता है। और वह स्वर वेद, वह अगर एंट्री अच्छी भी है फिर भी उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो ये हमें चेक करना है हमारे घर पे, हमारे क्लाइंट्स के घर पे, हमारी फैमिली या फ्रेंड्स के घर पे। और अगर आवाज कर रही है तो उसको सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, उसमें कोई रेमेडी अलग से नहीं है, खाली आवाज उसकी जो आ रही है उसको बंद कर देनी है, ठीक है? बहुत सारे प्रकार के वेद है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने इस पीपीटी में कंसिडर किए है, राइट? फिर आता है कुप वेद। कुप वेद यानी अगर हमारे दरवाजे के सामने सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रही है, या हैंडपंप आ रहा है, या कोई नलका आ रहा है, ठीक है, या कैनल निकल रही है हमारे सामने, तो इसे बोल रहे हैं कुप वेद। कुप वेद क्या करता है कि आपके घर में पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, पैसों की जो शॉर्टेज है वो हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी हम रेमेडीज करेंगे, अगर हम नहीं निकाल सकते तो। रेमेडीज क्या करेंगे वो रेमेडी सेक्शन में देखेंगे। अभी आप प्रॉब्लम समझ लो, तो कौन सा हुआ? सर ये जी एग्जैक्ट डोर का जो एरिया है वही कंसिडर करना है ना, डोर के एग्जैक्ट हाँ, सामने। डोर का ही, डोर का ही एरिया कंसिडर करना है। जैसे फ्लैट्स हो गया, तो फ्लैट्स में तो 90% वेद नहीं आएंगे, 99% वेद नहीं आएंगे, ठीक है? अगर आपका बंगलो है या रो हाउस है या इंडिविजुअल विला है तो ही ये वेद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर पहला था कुपवेद हमारा के स्वर हिसाब वेद। से एक डाउट है, जी अभी जैसे काफी लोग घर के बाहर में, जिनके अगर फ्लैट में भी घर होते हैं, वो घर के बाहर दरवाजे के मेन डोर पे वो लोग वाटर में फ्लावर्स वगैरह अरेंज करके रखते हैं, हाँ, तो वो सामने नहीं रखने हैं ना, साइड में रखने हैं साइड में घर रख के। सकते हैं। हाँ, ओके, करेक्ट वैसे भी साइड में ही रखते हैं क्योंकि घर के दरवाजे के सामने कौन रखेगा, घर में करेक्ट जाएंगे सर, आएंगे कैसे, ठीक करेक्ट सर, सो है? दैट इज ओके। हाँ, दैट इज ओके। ये उसके ऑल राइट एग्जैक्ट सर, सामने, ये आप फोटो देख लो, या फोटो देख पा रहे हो? जी ऐसा सर, नहीं होना चाहिए।
ठीक अंडरस्टूड है। सर। फिर आता है, हाँ सर अगर जी, एक मिनट सर, अगर डोर के सामने बेल अगर हो तो भी ये कंसिडर होता है क्या? क्या हो बेल बेल, बेल कुआ हाँ कुआ मतलब कैसा बेल? बेल सर बेल वेल डब्ल्यू ई एल वेल एल वेल, हाँ वेल 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 हाँ हो तो भी ये कंसिडर होता है, ये कुपवेत का ही प्रकार माना गया है सर। ओके और ओके एग्जैक्ट दरवाजे के सर। सामने नहीं होना चाहिए ओके सर, सर। डोर के और कुछ आगे। लोग दरवाजे के सामने एंटर करते ही घर पे विंड चाइम्स लगाते हैं, वो भी नेगेटिव है सर। हाँ विंड चाइम्स खाली नॉर्थ वेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, सर और अगर नॉर्थ डोर वेस्ट के में इतनी ऑपोजिट, एंट्री अच्छी है नहीं। सर अगर डोर के ऑपोजिट वॉल में डोर इलेक्ट्रिकल मीटर है तो के ऑपोजिट सामने इलेक्ट्रिकल कंपाउंड मीटर, वॉल में वो इलेक्ट्रिकल उसका मीटर कोई है। अपने को टेंशन नहीं लेना है, ओके ठीक है। तो ओके सबसे पहला था स्वरवेद, दूसरा था कुपवेद, अभी तीसरा आया किलवेद। किलवेद क्या होता है? किल यानी हमारा जो किला होता है, वो जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो वो अगर हमारे मेन डोर पे या मेन उसमें है तो उसको किलवेद माना गया है, और किलवेद से आपको स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे ही वो किल निकालोगे आपकी लाइफ स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फिर आता है स्तंभवेद। स्तंभवेद यानी कोई सा भी, जो हमारे फोटो में देखा था हमने कि कोई सा भी स्तंभ, इलेक्ट्रिक का, टेलीफोन का, या डीपी, या ऐसा कोई भी, या पेड़ आ गया, ठीक है। तो ये सारे स्तंभवेद के प्रकार है, तो स्तंभवेद भी नहीं होना चाहिए दरवाजे के सामने, ठीक है। ये स्तंभवेद अगर होगा तो आपके परिवार के प्रति सबको जलन, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, ये सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, राइट। फिर आता है चित्रवेद यानी पिक्चर्स। दरवाजे के एग्जेक्ट सामने हमको कोई पिक्चर नहीं लगानी है, वो क्रिएट करता है चित्रवेद। बट ये बहुत न्यूट्रल सा वेद है, ये इतना खराब आपका लाइफ नहीं करेगा। वैसे ही आ गया शिल्प वेद। शिल्प यानी स्कल्पचर्स, जो हम स्कल्पचर रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, ये सारे चित्रवेद जी। में भगवान का आवाज प्रकाश जी का अपने सर, क्लियर आए वैसे बोलो प्लीज। जैसे मौलिक में, लॉकिंग का मौलिक जी रखते को हैं तो म्यूट करने दो यार चित्रवेद में सर जो हमारा गुरु जी का फोटो है वो हम लगा जी। सकते हैं दरवाजे के क्या? सामने मतलब दरवाजे के बाहर नहीं, बाहर क्यों लगाना है गुरु जी का फोटो? ये बाहर सारी हाँ चीजें दरवाजे के बाहर की बात हो रही है, ओके ओके ठीक दरवाजे के अंदर की बात नहीं हो रही, घर के अंदर की बात नहीं है ये। जितने भी ओके वेद है ये सारे घर के बाहर दरवाजे के सामने की बात है ओके जी। ठीक है जागृति थैंक जी, सर। अगर बाहर हम लोग वो लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं नहीं मेन डोर के रखना बाहर, है, नहीं रखना है, या क्यों वाटर रखना, फाउंटेन, वाटर नहीं रखना है, फाउंटेन सर कुछ नहीं मेन डोर रखना के है, सामने रख सकते हैं सर? मेन डोर मेन के डोर के सामने सामने नहीं रखना है कुछ भी। जितना क्लियर रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यस प्रिया ओके जी, सर। हेलो सर, सर अगर दो विलास का मेन गेट ऑपोजिट है इज दैट अ वेद? वो चल जाएगा। दो विलास का अगर साम सामने घर दरवाजा आ रहा है तो उसकी एक बहुत करेक्ट सी छोटी सी एक रेमेडी है, दैट विल डिस्कस इन रेमेडी, तो वो कोई इतनी दिक्कत नहीं देता। सर, जो हम मेल्स बोल रहे हैं दे कैन बी इवन ऑन योर मेन डोर, जो आप जैसे यस बंदरवाल यस के लिए यस यस लगाते हैं। यस 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 यस, तो वो नहीं करना है, ओके सर एटलीस्ट हमें मेन डोर पे नहीं करना है। अगर आपको वो घोड़े की नाल और वो सब लगाना है तो आप ऊपर लगाओ, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के मतलब दरवाजे के ऊपर, नॉट ऑन ऑन द डोर, राइट। सर प्लांट्स रख सकते हैं? प्लांट्स दरवाजे के सामने कुछ भी रखोगे वो वेद माना जाएगा, एकदम क्लियर। ओके कुछ भी नहीं रखना है सामने, नहीं रखना है कुछ भी आपको, अगर रखना है साइड साइडवेज जो होती है लेफ्ट और राइट, वो दोनों साइड पे आप रखो, दरवाजे के सामने नहीं रखना है, ठीक है सर ठीक है। फिर ठीक है आता है, एक हो गया सबसे पहले, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं तो किसी को मिस ना हो।
क्योंकि ये कोई पढ़ा नहीं रहा है और वो इतना मैटर नहीं कर, लोग इसको नहीं देते। बट कई बार क्या होता है कि अच्छी एंट्री होने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो पहले हो गया स्वर वेद हमारा, फिर हो गया कुक वेद, फिर हो गया हमारा किल वेद, फिर हो गया हमारा स्तंभ वेद, फिर चित्र वेद, फिर शिल्प वेद यानी स्कल्पचर्स वाला, स्कल्पचर्स नहीं रखने हैं। लास्ट आ गया हमारा छाया वेद, ठीक है। छाया मतलब शेडो, मंदिर का, माउंटेन का, या मंदिर की ध्वजा का, या कोई भी झाड़ का शेडो हमारे मेन गेट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये हो जाता है छाया वेद। सर, अगर मेन डोर के सर सामने हम कुछ स्कल्पचर रखते हैं तो सर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? मेन डोर के सामने अगर आप स्कल्पचर्स रखते हो तो अगर चित्र और स्कल्पचर्स का सेम रिजल्ट है कि आपकी फैमिली में अंदर अंदर नहीं बनने वाली। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो तैयार हो जाओ, आप न्यूक्लियर होने वाले हो, ठीक और है। अगर आप सर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो पिताजी और पुत्र में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, सास बहू में खैर कॉमन है बट पिता पुत्र में भी झगड़ा ये करवाएगा, ओके और फिर सर। से वो लोग दो अलग घर में रहने चले जाएंगे। जैसे ओके, ऐसा होता है कि 10-15 दिन के लिए या महीने के लिए जब तक गाड़ी नहीं निकल रही है तो मेन डोर पे गाड़ी आपका खड़ी आवाज कर बहुत ही स्लो देते आ रहा है। हैं। जैसे ऐसा होता है कि घर के बाहर मेन डोर पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो ये भी एक वेद माना जाएगा? जैसे नहीं, टाइम पे गाड़ी इज अ पीरियड या टेम्पररी मंथ थिंग। नहीं है। कोई भी चीज अगर टेम्पररी है दैट दैट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सर, अगर वो अगर महीने में आपने एक बार आपने ऐसी निकालनी गाड़ी हो रख दी है जैसे 20 साल पुरानी विंटेज कार, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। बट अगर आप हर रोज उसको निकाल रहे हो, ऑफिस ले जा रहे हो, फिर रात को लाके वापस रख रहे हो, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी चीज टेम्पररी, कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करती, कोई भी चीज। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे लोग ये मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि जैसे साउथ ईस्ट अग्नि तत्व की दिशा है तो वहां पानी तो होगा ही ना, मटका तो रखेंगे ना। अरे अग्नि और पानी, पानी कितना है, 20-30 लीटर आप डाल रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर बना रहे तो दिया तो जलाएंगे ना, तो आप दिया थोड़ी 24 आवर्स जला रहे हो, और दिया की साइज कितनी होती, इतनी, तो वो इतनी अग्नि मैटर नहीं करती। तो कोई भी टेम्पररी चीज वास्तु दोष क्रिएट नहीं करती। आप नॉर्थ ईस्ट में 3 दिन, एक एक वीक के लिए खाना बनाओगे ना वहां पे जाके, तो भी वो कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। बट कोई भी चीज अगर आपने फिक्स कर दी है, देन इट इज गोइंग टू बी अ वास्तु दोष और वो उसकी इफेक्ट देगा। अगर आप डिप्रेशन सर, में सोने जाओगे 7 दिन के लिए, देन इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। हम बोलते हैं नॉर्थ में सर करके नहीं सोना है, हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, 99% तो हमें मिल ही जाता है कि हम नॉर्थ में सर करके ना सोए, वैसा कमरा हम चेंज भी करवा लेते हैं। बट अगर होटल फुल हुई और आपको नॉर्थ में सर करके वाला ही कमरा मिला तो आप क्या करोगे? या तो आप उल्टा सोओगे या नॉर्थ में जाके सो जाओगे, तो एक दिन में थोड़ी बॉडी में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सर इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई भी टेम्पररी चीज वास्तु दोष क्रिएट नहीं करती। सर जैसे साउथ सर वेस्ट शिव बोल रहा हूं। ओवरहेड हाँ, टैंक प्रॉब्लम नहीं देगी सर साउथ कहाँ पे? वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो अर्थ एलिमेंट है। अगर हाँ हम पर वाटर साउथ टैंक वेस्ट, ऊपर हाँ जी नहीं देगी साउथ क्योंकि वो वेस्ट अलाउ की हुई है। मैं आपको उसका स्तोत्र जो है वो सर मंत्र मैं विश्वकर्मा प्रकाश से ढूंढ के आपको दूंगा। ओके सर सर शिव बोल रहा हूँ। जी एक क्वेश्चन है सर, ये जो आपने शेडो ऑफ ट्री का बोला ना गेट जी के सामने, जी तो मेरे यहाँ पे कैसा है? जैसे कि हमारे घर और एंट्रेंस जो वॉल होता है बाउंड्री का, उसमें अराउंड 20-25 फीट का डिस्टेंस है, जो लॉन टाइप जी एरिया है। जी अब वहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह है, काफ़ी मतलब वाइस उतने नहीं है बट वो बाउंड्री वॉल के बराबर ऐसे लंबे लंबे रहते हैं ना, वो जो क्रिसमस ट्री टाइप ऐसे पाँच पाँच है दोनों साइड में, तो उसका शेडो तो गेट जो मेन गेट है उस पे आते रहेगा बिकॉज सनशाइन के बाद उधर से ही आता है, तो ओके उसमें वो इशू है क्या कोई वैसा? हाँ, वो इश्यू है, वो इश्यू है। वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स, कोई से भी घर के एक जो भी बंदा होगा उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो जेनिटल्स बोलते हैं उसमें दिक्कतें देगा। तो वो हमको उसको सॉल्व करना है, लाइट लगा के करो आप या फिर रेमेडी करके करो। बट सर वो दिन में जब भी सनशाइन रहेगा तो लाइट का तो कुछ नहीं हो, काम होगा, वो शेडो तो आएगा नहीं, ही। होगा होगा, मैं उसका उसका बताऊंगा आपको कि कैसे ओके करना सर, है। ओके ओके ओके।
राइट। तो ये हो गया हमारा वेद, फिर आ गया हमारा दहलीज। दहलीज का हमने पढ़ ही लिया है कि दहलीज होनी चाहिए, चौखट का कंसेप्ट है, तिलकट का नहीं है, तो चारों खट होनी चाहिए। अगर उमरा करके एक झाड़ भी है, उसका ही अगर आपने चौखट बनाई तो वो सबसे बेस्ट है, और चौखट की सर पूजा भी होनी ही चाहिए, राइट। कौन सी उमरा मटेरियल की बेस्ट बताइए। करके एक झाड़ आता है, एक ट्री है, जिसका नाम है UMBRA, उमरा। उसके ऊपर से उसको उमरो बोलते हैं गुजराती अच्छा लैंग्वेज सर, में, और कुछ और लैंग्वेजेस में भी उसको उमरा बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्वे का स्टेप स्टोन होता है, दहलीज होती है, चौखट होती है उसको, तो अगर उसका मिले तो सबसे बेस्ट, वरना हमारे जैसे साउथ वेस्ट है तो हम येलो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे साउथ ईस्ट है तो हम लाल कलर की दहलीज कर सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं पत्थर की अलग अलग। सर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। मैंने जी आपकी एक वीडियोस में देखा था कि आपने किसी के दहलीज पर एक वास्तु का कुछ प्रोडक्ट डाला था, और साइड्स पे शायद क्रिस्टल, एमिथिस्ट जी क्रिस्टल था या कोई क्रिस्टल था। तो जी क्या वो हर दहलीज, हर एंट्रेंस पे? नहीं 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 अगर सर वो तो गलत होती है तो ही वो करना है। जैसे मैंने आपको एंट्रेंस में पढ़ाया है, आप समझो, मैं आपको समझा देता हूँ। एंट्रेंस में मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ है बहुत अच्छी एंट्री, फिर आती है गुड एंट्री, फिर आती है मॉडरेट एंट्री, फिर आती है बहुत ही खराब एंट्री। तो जब बहुत ही खराब एंट्री का हम रेमेडी कर रहे हो, तब हमको ये यंत्र, उसकी स्ट्रिप और क्रिस्टल, ये तीन चीज का हम उपयोग करते हैं। अगर ठीक है, मॉडरेट एंट्री को या कम खराब एंट्री को हम ट्रीट कर रहे हो, तो हम खाली उसकी जो स्ट्रिप आती है, जो भी मेटल की, उसको यूज करते हैं, ठीक ठीक है। है, अच्छी एंट्री और नियरली मॉडरेट एंट्री जो होती है, नियरली मॉडरेट अच्छी, जैसे N5 हो गई, जिसको हमें ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। अगर वैसे उसमें कर रहे हो तो हम खाली क्रिस्टल बिठा के उसकी एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं। सर जैसे E3 की एंट्री है तो उसमें जरूरत नहीं है कुछ भी डालने नहीं की, नहीं नहीं कुछ भी और डालने की जरूरत कई नहीं है, लोग चांदी की तार डालते हैं फॉर नहीं प्रोस्पेरिटी, जरूर, नहीं वो भी जरूरत जरूरत है, नहीं है। नहीं जरूरत है, ठीक है सर, उससे प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, प्रॉस्पेरिटी जो करा रहा है उसको आती है, ठीक है सर। ठीक है। सर सागवान का कैसा होता है? सर सागवान का भी प्रेफर करते हैं ज्यादातर सागवान, लोग। हाँ मतलब सागवान का भी अच्छा, यस वेरी नाइस, उसका भी बहुत ही अच्छा रहेगा, उसकी पूरी फ्रेम होगी तो वो सबसे बढ़िया है। ओके सर, जी रूपिका जी, तो ये उंबर, उंबर जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, दत्त भगवान की पूजा करते हैं, वही वाला पेड़ बोल रहे हैं ना? यस 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 एग्जैक्टली। भैया आपने दहलीज के लिए भी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है रूपिका जी, आवाज सुनाई नहीं दे रही। दहलीज पूजन के बारे में बताया ही नहीं, वीडियो भी नहीं आया उसका, दहलीज पूजन। हाँ दहलीज पूजन का, हाँ बनाएंगे, अभी ट्रैवल कर रहा था, क्लास जी, पे टाइम पे पहुंच सकूं वैसे ही निकला था मैं, हाँ जी, बनाएंगे फिर अभी 1-2 दिन में। हमें आप बता दो, हाँ क्या बोल रहे हो? हमें आप बता दो कैसे करना है पूजन, दहलीज पूजन। वो मुझे दहलीज में वो पूरा कुमकुम चाहिए, फिर मैं आपको स्वस्तिक करना सिखाऊंगा, त्रिशूल करना सिखाऊंगा, तो वो वीडियो में ही पॉसिबल हो पाएगा। सर सर अभी तो चौखट नहीं बन रही है, अब तो त्रिखट बन रही है, तो हाँ वही है ना, तो इसलिए तो चौखट कंप्लीट करनी है हमको, बना क्योंकि वो तो चौखट बना। हमारी, चौखट हमारी बाहर की और अंदर की एनर्जी को डिफरेंशिएट करने का काम कर रही है। तो अब अगर अभी आपने, तो अगर आपने दहलीज या चौखट नहीं बनाई तो वो घर का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है चौखट को और चौखट पूजन को इन वास्तु। सर अपार्टमेंट्स में तो आजकल वो दहलीज का देते ही नहीं ना ऑप्शन, तो ऐसा कुछ नहीं, भी। देते हैं, हमारे गुजरात में तो चालू है, अभी भी दे रहे हैं। सर सर दहलीज त्रिखट जो क्या होती है, होता है? नीचे क्या का जो पार्ट होता है, वो घर के अंदर आना चाहिए या घर के बाहर रहना क्या चाहिए? क्या अंदर आना चाहिए, क्या बाहर आना चाहिए? दहलीज पार्डन का जो नीचे का पार्ट होता है वो घर के जी, अंदर आना चाहिए या वो बाहर आना एग्जैक्टली मैं चाहिए? आपको समझा दूं। ये जैसे हमारा डोर है, ठीक है, ये डोर की ये फ्रेम है, ठीक है। तो ये जो जितनी फ्रेम है ना, वो अंदर और बाहर को जॉइंट करने की है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ठीक है, वो आधा अंदर आएगा जब आप दरवाजे बंद करोगे, और बाहर तो आएगा ही नहीं,
मतलब दिखेगा ही नहीं, बाहर तो दरवाजा ही दिखेगा। तो वो ये जो पूरी फ्रेम है उसी का फोर्थ पार्ट आपको कंप्लीट करना है एज अ पार्ट ऑफ चौखट। सर, लेकिन अब तो ये डाउट है होता ही एक। नहीं घरों में सर, अब हाँ तो क्या बोल होता रहे ही हो, नहीं सर, अब तो होता होता नहीं ही तो नहीं। बनवा दो ना, उतना पत्थर काट के आप खुद से बनवा दो। वो अड़ता है ना सर आने जाने में, फिर वो हाँ नहीं अड़ेगा ना, आपको ऊंचा करने को कौन बोल रहा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप ऊंचा करो उसको। उतना तो मुझे भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट हल्का डिफरेंशिएट तो करो। हल्का सा जैसे चाहे बाहर आते। का, आपके फ्लैट वाले ने ग्रेनाइट दे दिया, अंदर आपने टाइल्स या मार्बल लगवाई है, तो वो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला कि आपका अगर साउथ ईस्ट आ रहा है या साउथ आ रहा है तो लाल कलर का पत्थर लाके, या येलो आ रहा है तो येलो जैसलमेर का पत्थर लाके, आप खाली फ्रेम जितना फिट करवा दो। तो वो सर तो नीचे सर 800 खाली फर्श में सर, खाली ओनली रुपए का फर्श खर्चा में है, 700 का पत्थर और 200-300 रुपए वो लगाने वाला ले जाएगा, 1,000 रुपए का खर्चा है। वो सर चिपकाना ही पड़ेगा वो सर, वो तो हाँ वो पत्थर तो सीमेंट से फिक्स ही हो जाएगा। सर वो बता दीजिएगा, हमको तो समझ नहीं आया अभी क्या समझ नहीं आया, बताओ ना, मैं समझाने के लिए तो बैठा हूं। तो सर। मिसमैच नहीं हो जाएगा वो फर्श और वो चौखट का तो? मिसमैच ही तो करना है, उसी को तो दहलीज बोलते हैं। तो नॉर्थ में हो दरवाजे तो सर? नॉर्थ में हो तो ब्लू नहीं लगाना है, नॉर्थ में हो तो आप व्हाइट लगा सकते हो। ओके। और सर सर इसका एक कोई डाउट जी है, अमित बात कर रहा हूं, अभी जैसे दहलीज ऑलरेडी बनी हुई है वुड की, नॉर्मल वुड, राइट, वुड की अब है तो अच्छा ही है। उसपे ओके सर, तो अगर उसको उम्रा में कन्वर्ट करना है तो ऊपर से उम्रा लगा सकते हैं या उसको नीचे हटा करके फिर उम्रा लगाना नहीं पड़ेगा? वो हटा करके काट करके ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओके लगाओगे तो आने जाने में प्रॉब्लम होगा आपको। राइट सर। एंड सर एक और सेकेंड डाउट ये है, जी दहलीज के अंदर की तरफ एक जाली का दरवाजा है और बाहर की तरफ मेन डोर है, ओके, नो सो डज दैट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस? राइट नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो ठीक ही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर। और ईस्ट की तरफ अगर दरवाजा, कौन बोल रहे हैं प्लीज, आवाज आए वैसे बताइए। सर पूछ रहे हैं कि इसमें अगर दरवाजा हो तो कौन सी दहलीज चाहिए? ईस्ट में हो तो आप ग्रीन कलर की डाल सकते हो, क्रीम कलर की डाल सकते हो, क्रीम दहलीज इजीली अवेलेबल रहेगी आपको, आप चाहे इंडिया के कोई भी कोने से हो। ओके। और तो सर क्रीम कलर एक्चुअली का एक पत्थर आता है तो वह दहलीज आप लगा सकते हो, सर कौन सा क्रीम पत्थर था? ग्रीन कलर, क्रीम क्रीम कलर ऑफ का व्हाइट। जी सुभाष जी, सर। अगर एन वेस्ट। एट में डोर है तो हाँ उसको ब्लू टेप लगाना है कि नहीं लगाना? नहीं लगाना है, ओके। और टेप तो मैं वेस्ट में बोलूंगा ही तो नहीं, वाइट, तो टेप तो मैं सपोर्ट ही नहीं करता, ओके ओके क्योंकि ऑपरेशन करना है, वही उसके ऊपर बैंडेड लगा दोगे तो ठीक नहीं होने वाला। ओके। सर मैं पूछना चाह रही थी, जी आपने बोला चौगाठ, तो पहले जो पूरी बाहर चौगाट बनती थी, नीचे लक्कड़ होती थी, तो आजकल वो नीचे वाली लक्कड़ वाला तो ट्रेंड रहा ही नहीं। तो जो राइट बिल्डर लोग हैं, 90% मैंने घरों में देखा है वो नीचे पत्थर ही देते हैं। तो जी, हमें इसका मतलब वो पत्थर, अगर उन्होंने सपोज किसी की S1 की एंट्री है तो वहां पर उन्होंने ग्रीन या ब्लैक पत्थर डाल दिया, तो उस पत्थर को पर्टिकुलर निकाल कर वहां पत्थर पर हमें हाँ लक्कड़ रेड लगवानी डालना पड़ेगी। है और S1 की एंट्री है जैसे, ठीक है, हाँ तो वो कौन सी एंट्री हुई, अच्छी हुई, खराब हुई या बहुत खराब हुई? खराब हुई तो बहुत खराब खराब हुई। हुई, हाँ ठीक है। तो हाँ S1 की अगर एंट्री आ रही है तो आपको क्या बोलते हैं, रेड कलर का पत्थर लाके, ठीक है, उसके नीचे जो यंत्र आते हैं, अगर कोई मेटल के यंत्र यूज नहीं कर सकते फिर भी आप पेपर पे उसको ड्रॉ करके, वो रक्त चंदन से, रक्त चंदन आता है पता है ना, लाल कलर का हाँ जी हाँ जी एक चंदन आता है, एक रक्त चंदन आता है, तो रक्त चंदन से वो यंत्र बना के आप प्लेस करके, क्रिस्टल डाल के, उसकी जो स्ट्रिप आती है उसकी मेटल की, कॉपर, वो स्ट्रिप डाल के आप उसको कर सकते हो। तो सर ये आप अभी रेमेडीज में बताएंगे ना कि कौन सा यंत्र डालना चाहिए और यस क्या यस यस क्रिस्टल साथ यस में डालना यस चाहिए, तो यस 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 इसका यस मतलब हमें वो पर्टिकुलर मार्बल वहां से निकाल कर दूसरा फिट करना पड़ेगा। यस, लाल कलर का लाना पड़ेगा, प्योर रेड कलर का, और वो आपको फिट करना है और उसके नीचे ये सारी चीजें करनी ठीक है सर, ठीक है। है, ठीक है। सर और जैसे ये इसमें विंडोज का बात चल रहा है तो सर,
लगेगा ना, एक एक करके वही बोलो प्लीज। वो इसमें हाँ तो सर व्हाइट मार्बल देने से होगा ना, बोल रहा है, समझ नहीं आ वो रहा। इसमें, वो इसमें, वो हाँ इसमें। हाँ सर, हाँ जी। हाँ सर, जैसे साउथ वेस्ट में विंडो आता है तो क्या वो सही है सर? हाँ, साउथ वेस्ट में विंडो आता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि विंडोज जी सर, में मैं आपको समझा देता हूँ, विंडोज नॉर्थ की और ईस्ट की बहुत ही अच्छी मानी गई है। जी साउथ वेस्ट में अगर विंडो आ रही है तो उसको आपको खाली येलो पर्दे करने हैं और कुछ नहीं करना है, एज अ पार्ट ऑफ रेमेडी। और साउथ वेस्ट की विंडो इतनी खराब भी नहीं है, क्योंकि वो विंड डायरेक्शन की विंडो है। साउथ ओके वेस्ट से सर। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये विंड डायरेक्शन मानी गई है। हाँ, और सर वहां पे हम वो पहाड़ों का फोटो भी लगा सकते हैं सर? हाँ लगा सकते हो, पर मेरी बात तो कंप्लीट करने दो, सुन लो पहले। तो वो ओ जो जी साउथ वेस्ट का अगर विंडो बड़ा है और आप कंटिन्यूअसली उसका एक्सपोजर ले रहे हो, तो वो आपको जी स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारी दे सकता है, उसके अलावा कोई दिक्कतें नहीं आएगी साउथ वेस्ट की विंडो से। तो अगर आप येलो ओके कलर सर के जो डार्क येलो होता है, या जी मतलब लाइट टू डार्क में जाओगे, तो ऊपर के तीन चार शेड जो होते हैं, तो जी वैसे वाले आप पर्दे लगाओगे तो आप स्किन जी सर प्रॉब्लम से बच जाओगे। ओके सर। और कुछ एलिमेंट भी रखना सही रहेगा सर उधर, कुछ वहां पे मतलब क्यों रखना है, मुझे मुझे पहले तो ये समझना है कि वहां घट रहा है, का? बढ़ रहा है, कैसा है, तो मैं आपको समझाऊं कि बढ़ रहा है कि घट रहा, मतलब कुछ रखना है कि नहीं रखना है, ओके सर। राइट। साउथ साउथ वेस्ट विंडोज में भी हमारी, स्किन की हाँ जी प्रॉब्लम्स आएंगी, साउथ हमारे यहाँ साउथ जो वेस्ट में भी भी स्किन की प्रॉब्लम आएगी। साउथ वेस्ट में होगा तो स्किन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका वास्तु के कारण से के अलावा जो हमारे जो साइंस के यूवी रेज और आईआर रेज जो होते हैं ना, उससे ज्यादा है, तो वो उसका आप एक्सपोजर लोगे तो आपको स्किन पिगमेंटेशन, स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर लॉन्ग सिमिलरली टाइम फॉर आप साउथ 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 वेस्ट की वेस्ट विंडो के पास बैठे रहे तो। हाँ वो साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वो तीनों आ गए, सेम है। गॉट WSWP आ इट रहा है सर। उसका। गॉट इट और सर। फिर इसकी विंड सर डायरेक्शन इसके के लिए एलियम बहुत क्या ही है अच्छी विंडो है, आपको सर? एक खाली शेयर उसका करना चाहूंगा एक्सपोजर यहाँ नहीं लेना पर, है। एक शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। तो जी मैंने मेरे घर का बनाया सर ब्रह्मस्थान लेकर के, दिस इज फॉर आई थिंक जी फॉर एवरीवन। नाउ सिंस जी यू मेंशनड अबाउट स्किन प्रॉब्लम, माय डैड हैज गॉट परसिस्टेंट स्किन प्रॉब्लम फॉर पास्ट मेनी इयर्स, राइट। जस्ट वांटेड टू शेयर। वो साउथ वेस्ट में है आपकी विंडो, साउथ 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 वेस्ट में सर उनकी विंडो, और वो वहीं पे साउथ बैठे वेस्ट रहते में। हैं काफी हाँ तो टाइम। वो देगा, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की और साउथ की अगर आप एनर्जी ले रहे हो तो वो आपको कहीं ना कुछ दिक्कतें देती है। तो ये जो साउथ सर वेस्ट का है वो ये कहीं पे भी वास्तु में नहीं लिखा, बट उसका जो सर उसके जो रेज आते हैं 2 बजे के बाद वाले, वो आपको स्किन प्रॉब्लम्स देते रहेंगे। राइट एक्चुअली ये स्किन प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है सर, मेरा साउथ वेस्ट में है, हाँ बट मैं सर, उसको मेरा ओपन भी नहीं साउथ करता हूँ, वेस्ट में है। हमेशा खुला, मैं हमेशा हाँ बंद ही खाली रखता हूँ पीला उसको। पर्दा करवा दो उसके बाद। अच्छा, और सर वो वहां पे बालकनी है, अगर ओपन थोड़ा सा ये है, मतलब बालकनी है, 4 फीट का बालकनी है साउथ वेस्ट में सर, साउथ साउथ वेस्ट में। आपका आप कौन से शहर से हो, मैं बैंगलोर से हूँ सर। बेंगलोर से हो, आपका गांव कौन सा है? वैसा तो सर मेरा साउथ ही है, नॉर्थ पार्ट ऑफ कर्नाटका आता है गांव तो, गांव बट का मैं नाम सर बताइए ना। बीदर कर्नाटका। ओके, तो वहां पे कोई नदी है नहीं है सर। आसपास 100 किलोमीटर में कहीं नदी? हाँ है सर उधर से बड़े बड़े पत्थर ले आओ, और वो जो आपकी जी सर बालकनी है जी। बालकनी के साउथ वेस्ट में आप उसको प्लेस कर दो। बेंगलोर मतलब वैसा तो सर बैंगलोर में भी है आसपास में, वहां से भी ला सकते हैं। की नहीं चाहिए आप, जहां पे आपका जो डीएनए का गांव है, जी ठीक है, सर उसके जी आसपास का चाहिए, क्योंकि ओके आयुर्वेद में एक चीज दी हुई है, मैं थोड़ा जी मिक्स सर कर रहा हूँ आयुर्वेद वास्तु, जी आयुर्वेद में एक चीज दी हुई है कि आपको जी ऐसे ही रोग होंगे, ठीक है, जहां की जड़ी बूटी आपके आसपास ही मिल जाए, ओके सर तो वो आपके आपका जो गांव है उसका जी डीएनए आपसे सिंक हुआ हुआ है, ठीक है, ओके सर तो ओके आप सर वहां के पत्थर लाके साउथ वेस्ट में रख दो, फिर आप देखो। अपना गांव ओके यानी सर। जहां पे जन्म हुआ है वो वाला गांव हाँ जन्म हुआ है, आप बोलते हो ना हमारा गांव है ये। सर। जैसे नहीं सर राजस्थान में तो कोई नदी नहीं है, तो फिर कहाँ क्या करना चाहिए सुनाई दे रहा, सर? राजस्थान में तो कोई गांव नहीं है, वो नदी राजस्थान में नहीं है कोई गांव सॉरी, नहीं है।
क्या बोल रहे राजस्थान में हो? कोई नदी नहीं है सर। राजस्थान में कोई नदी नहीं है, तो फिर आप जहाँ रह रहे हो वही आपका गांव हुआ। पूरा लाइटगुड़ बन मर दे। सबसे नजदीक की नदी, उसके पत्थर लाने पर वो, ये राजा जी को मैंने बताया आप सब क्यों ला के रखने वाले हो, सर उनको एक साउथ दिक्कत है वेस्ट इसलिए मैंने बोला है। नहीं सर, सर, साउथ जैसे वेस्ट साउथ तो वेस्ट मेरी मदर को एक में लो प्रॉब्लम है, काफी सालों से है सर। मैं नहीं सुन पा रहा हूं, एक वन बाय वन प्लीज। सर साउथ वेस्ट में विंडो है, हाँ और मेरी मदर अराउंड 40 इयर्स हो गए, उनको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम हाथों में। तो और उनका बर्थ प्लेस जहाँ है वहां मतलब कोई नदी तो है ही नहीं राजस्थान, तो और वहां ये लखनऊ। उनके लिए, ये पर ये पत्थर मैंने स्किन प्रॉब्लम के लिए नहीं बताई थी, ये उनकी ओके साउथ वेस्ट की गैलरी है उसके लिए मैंने बताई है। स्किन प्रॉब्लम के लिए मैंने खाली बोला है येलो पर्दे कर दो आप वो उसके ऊपर, तो सर, साउथ वेस्ट की बालकनी भी है सर। फिर आप लाओ। फिर आप नियरेस्ट कोई भी घर, वो उसे गोल गोल पत्थर मिलते हैं सर यस नदी में, वो ही हाँ, लाके जैसे लगाना। भारी भारी वाले चाहिए। भारी वाले कितने पत्थर? सर ये जो मैं गिन आपने के बताया बताता था हूं, अभी, मतलब आपके पास जितनी जगह हो उतने पत्थर आपको लाके रखने हैं कि एक कोने में वो चीज पड़ी रहे, ऐसे ओके 11 21 ऐसे कोई पत्थर के अमाउंट नहीं है या किलोग्राम का भी कोई ऐसा मोल तोल नहीं है, जी आपके पास जितनी जगह हो उसमें फिट हो जाए वैसे पत्थर लाने हैं आपको, उसको खाली हैवी करना है क्योंकि आपने जब बालकनी बोला तो वो चीज लाइट हो गई, और जी साउथ वेस्ट लाइट होगा तो रिलेशनशिप स्केल स्टेबिलिटी तीनों में धीरे धीरे दिक्कतें आना शुरू होगा, तो वो जी चीज हटाने के लिए मैंने वहां पे पत्थर लाके रख दिए। जी जी सर एक क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट अगर कटता है पूरा तो राइट मतलब वो उसको क्या करेंगे फिर, हैवी करेंगे क्या हाँ मतलब? जी, उसको पहले एनहेंस करेंगे कलर्स से क्रिस्टल से और फिर उसको हैवी करेंगे, पहले उसको एनहेंस करना जरूरी है। अच्छा, हाँ सर ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स देखा, जैसे अचानक से बीपी बढ़ जाना। नहीं, वो बीपी बीपी वाला प्रॉब्लम साउथ वेस्ट से नहीं आएगा, आपके पैरों वाला जो भी पार्ट होगा ना वहां पे दिक्कतें आएगी, साउथ वेस्ट कटा होगा तो आपकी स्किल्स में दिक्कतें आएगी, कुछ भी पढ़ोगे पर आप पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं कर पाओगे, तो ये सारी दिक्कतें आपको साउथ वेस्ट देगा। अच्छा, तो मैंने ऐसे देखा है घर पे कि अचानक से बीपी बढ़ जाता है, और मतलब उसकी कोई डॉक्टर भी और नहीं वजह बोल है भारती जी, ना, डॉक्टर भी बोल रहे, उसकी वजह पता कोई नहीं लगा और है। पाते कारण, कारण नहीं पता लगा पाते। तो हाँ वो हम नक्शा देखेंगे ना आपका तब देखेंगे। दूसरी सर ये जगह पत्थर देखेंगे। कितना बड़ा होना चाहिए, रिवर से जो पत्थर मंगाना है वो कितना अगेन बड़ा मैं होना बता रहा चाहिए? हूं आपके घर में आपको रखना है, आपके पास जितनी जगह हो उस हिसाब से लेके आओ। ओके तो मतलब सर छोटा मैं पत्थर ये भी चलेगा, पूछ, हाँ क्या बोल रहे हो? छोटा मुट्ठी जितना पत्थर भी चलेगा। अच्छा, नहीं मुट्ठी जितना, फिर वो हैवी कहाँ से होगा भैया, हैवी करना है, गॉट इट। ओके सर, राइट हैवी करना है, अगर सर गैलरी है जैसे, तो की हाँ बात है, सबको सर हैवी बालकनी के करना हिसाब है। से, साउथ साउथ वेस्ट में बालकनी के हिसाब से। वेस्ट ऑलरेडी हैवी और फिर आपने लाके और पत्थर रख दिए और हैवी कर दिया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको कोई भी चीज ओवर नहीं करनी है हमको। गॉट इट सर। सर मैं ये सर पूछना जैसे चाह रही थी अभी कि मेरा, जो, जी हेलो, कौन बोल रहा था, लेडी कोई बोल रहे थे आप गरिमा, बताइए। गरिमा जी गरिमा जी सर, वो आप कह रहे थे ना चौखट का, मेरे को ये पूछना था सर, ऐसे काफी लोग ये वुडन फ्लोरिंग करते हैं घर के अंदर, पूरे पूरे घर पे, तो वो उसका इफेक्ट आता है या वो ओके है? नहीं, वुडन फ्लोरिंग चल जाता है क्योंकि ओरिजिनल वुड वाला फ्लोरिंग बहुत कम लोग करते हैं, बाकी सब स्टिकर ही चिपकाते हैं, मतलब वो वुडन की जो इतनी इतनी पट्टी आती है तो उसको हम वुडन फ्लोरिंग ही नहीं कंसिडर करते। वो वुडन एक्चुअल हाँ वुडन जो फ्लोरिंग होता है ना उसकी ईंट जी जैसा आता है, सर, तो हमारा जैसा आ पूरा रहा है फिर वो जैसे दिक्कत देगा। मेरे घर सर पे, पर मेरे घर पे ऐसे हमारा आधे आधे इंच का तो जो है, स्लैब बन के आते हैं मैं वही बोल रहा हूँ, आधे आधे ना, इंच का जो है ना उसको वुडन फ्लोरिंग बोलते ही नहीं है क्योंकि वो अच्छा नेचुरल नहीं होता, पहली चीज तो जी वो जी वो चिपके हुए आर्टिफिशियल होते हैं मेड होता है, तो वो वुडन सर। फ्लोरिंग का कोई मतलब नहीं है, खाली आपने जो ओके आपका अर्थ एलिमेंट है पूरे घर में बिछा दिया है तो उससे सर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। ओके ओके, ओके इमोशनल सर, इमोशनल इमोशनल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। वो तो है हाँ सर, जी
वो है सर वो है, वो वुडन फ्लोरिंग पूरे घर में वो होगा तो आपको इमोशनल डैमेज देगा, है सर, धोखा वो है मिलेगा वो है। आपको, या तो बिजनेस में या तो रिलेशनशिप में या बच्चों से, तो ये सारी चीजें हाँ होंगी। सर, वो उसका सब भी मेरे ख्याल से आप सर रेमेडीज करेंगे तब मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो घर पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, और वो स्पेशली मेरे बेबी को लेके भी है, पर जब जी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तब फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी फिर। नॉट एन इश्यू जी। शिवानी जी, थैंक शिवानी जी ने कब से हाथ उठाया हुआ है? सर, मेरे घर में भी ना साउथ वेस्ट में मेरे बेडरूम में विंडो है बहुत बड़ी, और सर मैंने बेडरूम का कलर येलो कराया हुआ है, बट मुझे भी ना काफी टाइम से स्किन प्रॉब्लम हो रही है अब जी, तो आप येलो पर्दा करवा दो पहले, सर। पर्दा भी येलो है, लाइट और येलो है तो 2 से 5 वो खिड़की खोलनी ही नहीं है हमको, क्योंकि 2 से 5 वाला टाइम है ना वो स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही खतरनाक सर मैंने सर, लेकिन ना पर्दा मैंने डार्क कलर का भी डाला हुआ है, जामनी कलर का और प्लस क्रीम कलर का, दोनों शेड डाले हुए हैं, लेकिन मैं येलो बोल रहा सर हूँ। सर लेकिन ना मैंने पूरे रूम को येलो करा लिया। पर रूम को क्यों करवाया? कट रहा था, अच्छा सर, कट नहीं रहा है तो फिर जैसे येलो कलर कराने का मतलब नहीं है, आप उसको और एनहेंस कर रहे हो। तो आपने, अच्छा आपको वैसे भी आपने खाना खा के आए हो आप, और आप दोस्त के घर पे गए और बोले नहीं और खाना पड़ेगा, हम लोग बैठ रहे हैं हमारे साथ बैठना पड़ेगा, तो आपको और दाल बाटी खिला रहे हैं वो, तो फिर वो आपको तकलीफ देगा। तो कुछ चीज बहुत कम भी अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं। तो अगर साउथ वेस्ट घर में ठीक ठाक मिल रहा है बार चार्ट के हिसाब से, तो फिर उसको येलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अननेसेसरीली उसको एनहेंस कर रहे हो। अच्छा सर, तो सर मैं उसको कलर चेंज करा के कौन सा कलर दूँ? नहीं, आप कुछ डिसीजन मत लो, पहले ग्रेड करवाओ, बार चार्ट निकालो, अब कहाँ आता है आपका साउथ वेस्ट वो देखो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। ठीक है सर, ठीक है। सर सर जैसे क्वेश्चन आ, और आ, है। मेरा जो बर्थ प्लेस है सर, वो करीब करीब 600 किलोमीटर है बैंगलोर से, तो उतने बड़े बड़े पत्थर तो लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। क्यों 4 207 में डलवा के ले आओ? सर क्योंकि दो बालकनी है मेरी सर, दोनों ही बड़ी है, तो दोनों साउथ बड़े वेस्ट में? जी सर, साउथ साउथ अच्छा वेस्ट, जी, तो साउथ जहां से साउथ नजदीक से नॉर्थ। मिल जाए फिर वहां से ले आओ, और एक एक पत्थर दोनों बालकनी के लिए उधर से लाओ, ट्रेन में डाल के या कैसे भी करके, ओके सर, और वो मेरा आपके लिए अच्छा है। मेरे, मुझे तो ओके प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पत्थर रख दूंगा तो मेरा काम हो गया, बट आपको जो डीएनए इफेक्ट चाहिए वो चीज आपके गांव जी। के पत्थर से ही मिलेगी। अच्छा सर, और वहां पे वैसे भी साउथ वेस्ट में सर मेरा बाय चांस एलो ही है, पूरा दीवार है ना सर, एलो ही है ओके, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, येलो जी। होना अच्छी बात नहीं है, ओके सर। यही हम लोग गलती करते हैं। जब मैं भी सीख रहा था तो मैं भी यही गलती की थी, एक साल में 3 3 बार पेंट करवाया मैंने मेरे घर पे सीखने के चक्कर में। ठीक है, वो येलो करना भी अच्छी बात है कि नहीं वो आपका बार चार्ट के बगैर आपको समझ नहीं आएगा। ओके सर, जिसका गांव ही हाँ, नहीं है, वो क्या बोल रहे हो? जिसका गांव ही नहीं है, मतलब बर्थ ही शहर का है वो। हाँ, तो शहर में भी नदी होगी ना आसपास। हाँ, तो वहीं का। जो आपने वुडन फ्लोरिंग का बताया है कि उसका इमोशनल इफेक्ट होता है, व्हाई इज जी, दैट? वो वो क्यों रहता स्पेस है कि एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट, स्पेस और है सॉरी वुड अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का काम क्या होता है? पानी को सोखना, पानी इज अवर इमोशन, जमीन में राइट पानी डालोगे वो खींच लेगा, तो आपको इमोशनल डैमेज देगा, सिंपल सा लॉजिक। ओवरऑल। ओके ठीक है, थैंक यू अभी एक सर। 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं, फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
है जी। या हाँ, किनका हाथ खड़ा है? निखिल जी बताइए। हाँ सर, हाँ सर, क्या सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सर मेरा मेरे यहाँ पे साउथ वेस्ट में W2 में डोर था जो मैंने 3 साल पहले क्लोज किया है। बराबर। लेकिन मैंने क्या किया है, पूरा क्लोज नहीं किया है, उसका हाइट का 75% तक क्लोज किया है और बचा हुआ जो 25% है उसमें पतरा है, मतलब वो ओपन नहीं है, पतरा है। लेकिन जो ओके ओके। ऊपर एक 5% तक वेंटिलेशन है, तो उसका मेरे को फर्क बताइए सर, उसका क्या नतीजा होगा? नहीं मतलब वो आपने क्लोज कर दिया है तो हाँ क्लोज का क्लोज ही किया नतीजा आएगा आपको, बट जो आपने खुला रखा है ना, जो पतरा है, तो हाँ पतरे से बंद कंसीडर नहीं होता, तो बंद आपको या कंसीडर तो नहीं वहां होता, पे पूरा पूरा प्लाई ही बनाना पड़ेगा। वॉल खड़ा किया तो चलेगा ऊपर तक? हाँ, पूरा वॉल खड़ा किया तो चलेगा, प्लाई लगा दो तो भी चलेगा, जिप्सम डलवा दो तो भी चलेगा। हाँ पतरा, लेकिन उधर गया तो ऐसा हवा आता है सर पतरे के नीचे से ऐसा। हाँ तो मतलब वही बोल रहा हूँ ना मैं, हवा नहीं आना हाँ चाहिए ना, हाँ हाँ तो रेस भी आते हैं सर 2 बजे के कोई बाद भी जो आप चीज। बोल हाँ मैं रहे वही हैं। बोल रहा हूँ, कोई भी चीज अगर जैसे हम शेडेड एरिया भी गिनते हैं ना कंस्ट्रक्शन हाँ एरिया में, तो हाँ ऐसा ही शेड गिनते हैं जिसमें हाँ से लाइट एयर और वाटर पास ना हो। लाइट एयर और वाटर। हाँ जी, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन एरिया में काउंट करते हैं, और अगर तीन या तीन में से कोई दो या तीन में से कोई एक चीज अगर पास हो रही है तो हम हाँ उसको एज अ कंस्ट्रक्शन एरिया में कंसिडर नहीं करना है। तो वैसा ही सेम केस है आपके दरवाजे के साथ। और तो विंडो में और डोर में, तो विंडो से भी एयर और लाइट आता है सर। जी, हाँ तो उसको भी हम मतलब कर्टन लगा विंडो के क्लोज। विंडो विंडो ग्राउंड से नहीं आता ना सर, रात में ग्राउंड से आ रहा है, हाँ, ग्राउंड से नहीं सर, ऊपर से, ऊपर ऊपर से आ रहा है, फिर वो विंडो काउंट होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मुझे लगा आपने ऊपर से क्लोज किया है, नीचे नहीं से नहीं खुला नहीं रखा नहीं है। नहीं सर, नहीं ऊपर नहीं, नीचे से क्लोज किया है ऊपर तक। तो फिर और वो कोई दिक्कत सर नहीं है। दिक्कत नहीं सर, एक और था, जैसे कि आगे का डोर और पीछे का डोर एक ही लाइन में आ रहा है तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? भाई है आपके, हाँ भाई है आपका, हाँ है सर, साथ में रहता है? वहाँ साथ में ही रहते सर, जमती नहीं है। हाँ मतलब भाई धीरे धीरे करके वो उससे दूरियां बढ़ती जाएगी। मतलब हम साथ में ही रहते हैं, ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं है, लेकिन ये हाँ तो हाँ सर। आपके या आपका आपके भाई से दिक्कतें शुरू होगी, या अगर पापा और पापा के भाई है तो उनसे दिक्कतें शुरू होगी, दोनों सर ही सर केसेस में होने होता है वाली है। ये, किन केसेस में होता है सर? अगर बोलिए निखिल जी, आपके वहां पे क्या है? सर और आगे का डोर बड़ा है और पीछे का डोर छोटा है, तो अगर इसका भी डोर कोई? आगे का और पीछे का अगर सेम साइज का हो रहा है, मतलब हाँ लाइन में सर, आ रहा है, तो ये चीज होगी। लेकिन सर दोनों पॉजिटिव में आते हैं सर, E2 में, E1 E2 में आते हैं और दूसरा E4 में आता है। E1 E2 कहाँ पॉजिटिव है? E1 तो नुकसान ही की हाँ एंट्री है, तो सर, आप बोल रहे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं कहाँ है? नहीं पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, E1 E2 में आता है। हाँ तो E1 तो खराब है ना। हाँ सर, हेलो, तो व्हाट इज द इट इज कॉन्सेप्ट ओनली बिहाइंड? इन केस इफ देर इज अ बैक डोर इन द हाउस। जी ओके सर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ नहीं करना है। अगर आपने सेम सेम या आगे का डोर छोटा है या पीछे का बड़ा है, तो आपको सिमिलर लाना, मतलब उससे छोटा करना पड़ेगा। हमारा जो मेन गेट है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, बैक डोर हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर मेन गेट और बैक डोर का अगर साइज सेम है, तो ऐसे लोग जो ऐसे जातक है वो खाना खाएंगे और सीधा उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो वैसी सारी दिक्कतें शुरू होगी, धीरे धीरे पेट की दिक्कतें शुरू होगी, पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा, फिर उनको बार बार एंजाइटी होती रहेगी कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो बार बार चेकअप करवाने जाएंगे, ठीक है, हार्ट अटैक निकलेगा नहीं, और वो गैस की हाँ दिक्कतें शुरू की शुरू रहेगी, धीरे धीरे फैट बढ़ता जाएगा बॉडी में और फिर वो ओबीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चीज हाँ होगी। तो सर पीछे के डोर को प्लाई लगाए तो लगा दो। चलेगा, हाँ लेकिन हम जी रेंटेड रेंटेड में रहते हैं इसलिए प्रॉब्लम अच्छा, है। हाँ
हाँ तो प्लाई लगा दो या जिप्सम, जिप्सम की शीट ला के मार दो उधर। हाँ जिप्सम की शीट में लगाया चलेगा। हाँ हाँ ठीक है हेलो सर। सर जी बताइए। सर, अगर किसी प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और साउथ ईस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ हो लेकिन बाउंड्रीज बराबर हो, 60 बाई 80, 60 बाई 80, तो ऐसे 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 प्लॉट में क्या सर नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और साउथ वेस्ट कॉर्नर काटना चाहिए? मैडम जी ये पूरा वेट क्वेश्चन हो गया, ये केस आप दोगे तो आप समझ, मैं समझ पाऊंगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। सर प्लॉट का वो भेज दूं क्या? हाँ प्लॉट का वो भेज दीजिएगा। नक्शा भेज, ठीक है चलिए सर। आगे, ये हमने पढ़ लिया 16 दिशाएं का क्या मतलब है, एक एक दिशा पकड़ के, राइट पढ़ा था ना। हाँ जी सर, ठीक है, इससे क्या क्या सर देखना उसमें है, नॉन इस रह गया इससे था क्या क्या शायद। सर देखना है, ये सारा चीज हमने पढ़ रिकॉर्डिंग लिया है। अभी हम आते हैं किचन के ऊपर। में विंडोज जी हाँ जी, रह गई, विंडोज विंडोज का रह विंडोज गया। बोल तो दिया मैंने कि नॉर्थ और ईस्ट वाली अच्छी है, ठीक अच्छा है, नॉर्थ की वॉल पे ईस्ट की वॉल पे विंडोज अच्छी है, साउथ और वेस्ट में नहीं रखनी है, और अगर आ रही है तो उसके कलर के पर्दे, जैसे डिप्रेशन में विंडो आ रही है हमको, ठीक है, तो वहां पे हमको लाइट ग्रे या डार्क ग्रे पर्दे रखने हैं, या व्हाइट भी आप लगा सकते हो, व्हाइट सर, पर्दे। छोटी विंडोज पर भी, 2, 3 और हाँ 4, 5 पर कहाँ ग्रे पे? हाँ ग्रे कर्टन्स, जी ठीक है सर। ठीक है, गलत जोन में आ रहा है तो हमको ड्यूअल लेयर वाले पर्दे लगाने हैं, सियर भी हो और उसके ऊपर पर्दा भी हो। वैसे कैसे सर? लाइन लगवा सकते हैं? मैं आपको कैसे समझाऊं अभी, शीयर एक पता है पतली जाली जैसा पर्दा आता है, अपने होटल में जाते हैं और हाँ उसके ऊपर जी फिर मेन पर्दा आता है, हाँ तो अगर हाँ हाँ गलत हाँ डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ साउथ वेस्ट हो गया, तो हमको ये दो डायरेक्शन में अगर आ रहा है विंडो हमारा, तो हमको ऐसे डबल पर्दे करवाने हैं, ठीक है बाकी सर। हमको सिंगल पर्दे उसके जो पर्दे जो उसका होम कलर है उसके पर्दे हमको करवाने हैं। ठीक है और सर सर, क्या ब्लाइंड वर्क करते हैं ऐसी कंडीशन में? ब्लाइंड्स जो ब्लाइंड्स पुलाव, भी चलेंगे? ब्लाइंड्स भी चलेंगे, पर्दे पर्दे होते हैं पर कलर मेरे को मैटर करता है हाँ सर बस उस उसमें टाइप। डिफरेंस नहीं है सर, ब्लाइंड में ना, जी ब्लाइंड में डबल लेयर नहीं होता है। ब्लाइंड में डबल लेयर नहीं होता है, तो वो डबल लेयर करवाना पड़ेगा आपको अगर गलत ओके दिशा में आ रहे हैं, नेगेटिव जोन में। तो ओके। और चलिए सर जी इस, किचन। सर सर हाँ एक जी सेकंड, और इस डायरेक्शन की विंडो बंद ही रखें तो? बंद ही रखो, फिर भी वो विंडो तो विंडो है ना, वो आपको करवाना तो पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे लगता है मैं क्वेश्चन आंसर केबीसी खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाने तो देते नहीं हो आप लोग। ठीक है जी चलिए आगे किचन। श्रेयस जी एक क्वेश्चन यस मेरा, मैं थोड़ा लेट जी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ श्रेयस जी हाँ जी, जी आजकल जैसे जो नए अपार्टमेंट बनते हैं, इनमें पूरी विंडो नहीं होती है लेकिन नीचे तक ग्लास होता है, जैसे अभी साउथ साउथ वेस्ट है, अगर उसमें समझो आधे तक ग्लास है और उसके ऊपर हाफ पोर्शन जो है वो विंडो है, मतलब वो ओपनेबल है समझ उसके गया। लिए, तो उसको भी मतलब पूरा ही पर्दे के साथ रेमेडी करनी है या कैसे उसको ये पर्दे के साथ ही कंसिडर रेमेडी करनी है, ये लास्ट क्लास में भी आपने ही पूछा था शायद, मैं लास्ट क्लास में करेंगे? भी ये आपको ही सेम ही चीज बताई थी। हाँ नहीं उसमें तो टोटल, क्योंकि कुछ कुछ विंडोज हैं जो पूरी स्लाइडिंग हो जाती है, बेडरूम्स की जी जो विंडोज होती है वो पर्दा ही आधी। उसका ओके सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। चलिए किचन, अभी आपको ही पढ़ना है खुद से, कहाँ कहाँ पे अलाउड है, कहाँ कहाँ पे नहीं अलाउड है। नॉर्थ में अलाउड है? नो नो ओके सर, वो जल तत्व की दिशा को नो हमको अवॉइड करना है सबसे पहले, तो कौन सी जल सर, तत्व की दिशाएं आ गई? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सर, में हम भी हमको यस अवॉइड करना है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है। ईस्ट राइट में आप अगर किचन आ गया तो क्या होगा, तो आपकी सोशल एसोसिएशन और सोशल रिश्ते बिगाड़ेगा, बट यहाँ पे ये सूर्य का पद भी आता है, तो अग्नि यहाँ पे इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा,
ठीक है, आपके रिश्ते बिगाड़ने के अलावा ये और कोई खराब चीज नहीं करेगा, तो अगर इष्ट में आ गया है तो हम उसको रेमेडी करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट पे, ठीक है, तो ये है वैसे एयर एलिमेंट, बट ये कौन सा एयर एलिमेंट है जहां से ऑक्सीजन में से अग्नि बनने का शुरुआत होती है, ये वो जगह है। तो यहाँ पे भी अगर आपका किचन आ गया तो वो रेमेडी करके सॉल्वेबल है, रेमेडी में चटनी कलर का प्लेटफॉर्म एयर एलिमेंट में, कौन से कलर सर का हरी बताया? चटनी आती है ना धनिये की, धनिये पुदीने की, हाँ जी वो सर, कलर का प्लेटफॉर्म आपको बनाना है। ओके ओके सर। ठीक है, जो फिर आता है साउथ सर ईस्ट, सबसे बढ़िया। सर जो किचन की स्लैप होती है वो, यस यस यस, ओके साउथ ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट में सबसे बढ़िया, साउथ साउथ ईस्ट में सबसे बढ़िया, साउथ में सर। सबसे कलर बढ़िया। कलर कौन हाँ सा रहेगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट हो यहाँ या पे कलर में ईस्ट ब्लैक अवॉइड ऑफ करना है, बाकी कोई सा भी कलर चल जाएगा, मतलब ब्लैक ब्लू नहीं रखना है हमको। ब्लू? ओके ठीक है सर। सर सर जैसे एक क्वेश्चन अभी था, सर एक क्वेश्चन था हेलो। कि हाँ जी, पर एक एक सर करके बोलो ना। सर हमारी किचन जो है मेरी इसी में है, लेकिन ना सर उसका स्लैब ब्लैक कलर में है, तो सर उसके लिए कोई रेमेडी हो सकती है अगर, हाँ क्योंकि जी, रेमेडी हो पत्ते। सकती है, रेमेडी हो सकती है, अच्छा सिंपल है। सर, रेमेडी हाँ भी में भी 400 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है, क्या पर सर मैं वही रेमेडी मतलब क्या? बताऊंगा नहीं, मैं फिर रेमेडी में कुछ बताने को रहेगा ही नहीं। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं सर, बाद में बता ठीक दीजिएगा। है जी सर, हेलो वो सॉल्वेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साउथ ईस्ट में सर, किचन आ रहा है, फिर ब्लैक कलर हो या कोई सा भी कलर हो, वो पैसा तो आएगा ही आपके पास। सर एक क्वेश्चन था सर जी, सर, अगर किचन में जो सिंक है वो साउथ साउथ वेस्ट S3 में आ रही है, तो सर उसको हटाना चाहिए क्या, वो चलने दें? नहीं, कोई जरूरत नहीं अच्छा सर, जैसे अभी किचन है, किचन में जो स्टोव है इनबिल्ट है, मतलब फिक्स है टाइल के अंदर में, तो उन दैट केस में सर हम उसको उठा के मतलब ग्रीन वाले टाइल पे भी नहीं रख सकते, तो इन दैट केस तो वो सॉलेबल उसके है सर? सबसे नीचे नीचे का जो पार्ट हो ना, फर्श पे, फर्श जी पे आपको ग्रीन कलर का स्टोन रखना है। सर, एक्चुअली वो फिक्स है सर, वो उठा ही नहीं सकते, मतलब इनबिल्ट है वो, मॉड्यूलर का जब भी जो आता है ना सर, वो टाइल के अंदर ही फिक्स है वो स्टोव टाइल उठेगा के नहीं, अंदर फिक्स है, मैं समझ गया, बट आप ग्राउंड पे थोड़ी है वो, नीचे तो नहीं आपने स्टोरेज ऊपर। बनाया होगा ना। जी हाँ, तो बस वो नीचे स्टोरेज के स्टोरेज नीचे आपको ग्रीन कलर का पत्थर रखना है, वही समझा रहा हूँ आपको। सर, पत्थर की जगह पे जो अमेजोन पे स्टिकर्स मिलते हैं जो ग्रीन कलर के, जो वैसे कुछ कर दे तो टेम्परेरी काम बने, या पत्थर ही जरा भी चेंज नहीं करना चलेगा, पड़ेगा? स्टिकर की मेरे पत्थर ही साथ करना। बात ही मत करना, क्योंकि मैंने अच्छा बहुत साल बिगाड़े स्टिकर लगा के राह देखकर कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, बट वो नहीं हुआ अच्छा। सर, टाइल्स और मार्बल उस कलर का? हाँ, टाइल्स और मार्बल चल जाएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है जी, तो साउथ तक सर। पहुंचे, साउथ में अच्छा है। फिर आता है हमारा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तो सर एक यहाँ पे जब भी क्वेश्चन किचन आएगा, हमें है, पढ़ा लू एक एक, अगर आप आपको क्वेश्चंस ही पूछने हैं तो मैं बंद कर देता हूँ ये स्लाइड शो, और फिर आप क्वेश्चन पूछते रहो, मैं सबके घर का वास्तु कर लूँ और आप सब नहीं खुश होके सर, चले जाओ। नहीं सॉरी सर, नहीं सर सर, घर का नहीं है कुछ सर, आप साउथ। चालू रखिए सर। सर आप पहले पूरा कोर्स ही कर लीजिए, मैं फिर तीन लास्ट में तीन आगे स्लाइड नहीं पढ़ा पाया, फिर कितना रेमेडी पढ़ने को वाले आया। सेशन में पूछ लेंगे ना हम, जो भी डाउट है, जो भी हमारे डेढ़ घर का है, घंटा किसी हुआ के भी तीन घर का है, स्लाइड वो से पूछ आगे नहीं बढ़ लेंगे। पाया हूं मैं, ऐसे कैसे कोर्स खत्म होगा, नहीं, आप सर ये बढ़िए, लिंक टूट जाता है बार बार मेरा। ठीक हम आपके साथ हैं है, सर, आप चलो चलो पूरा मैं बैक लेक्चर बैक मतलब बैक बैक बैक, खत्म कर साउथ दीजिए साउथ 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 वेस्ट, साउथ साउथ सर। वेस्ट में अगर किचन आ गया, हम लास्ट 15 मिनट रखेंगे, डोंट वरी, मैं ठीक है सर, कंप्लीट 7:45 को पढ़ाना छोड़ दूंगा, आपके क्वेश्चंस लूंगा। अभी मुझे आधा घंटा दे दीजिए खाली, बीच ठीक बीच है में सर, रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप पूछिए, उससे सबका फायदा है। साउथ साउथ वेस्ट में अगर किचन आ गया या उसका मेन स्टोव आ गया, मैंने जैसे पहले बताया, कोई भी हम चीज देखे किचन, तो किचन में पूरा किचन नहीं देखना है, हमारा स्टोव कहाँ आ रहा है वो जोन कंसिडर करना है हमको, राइट?
तो अगर हमारा स्टव जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है तो ये घर में एक तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, खाने के ऊपर पैसा ज्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि घर में अच्छा खाना नहीं बन रहा तो लोग बाहर जाके खाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग अक्सर हमने देखा है कि इनके घर में स्विगी जोमेटो की आमदनी, मतलब स्विगी जोमेटो को ये लोग कमा के ज्यादा देते हैं, साउथ साउथ वेस्ट के किचन वाले। इसके अलावा ये आपको वो जो डमनेस देता है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, जो खालीपन बोलते हैं, अगर साउथ साउथ वेस्ट में किचन आ गया तो वहां के लोगों में या किसी एक में या सब में खालीपन या नंबनेस की बीमारी, NUNB, सर नंबनेस, एम्प्टीनेस, सर डू यू हाँ मीन एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस, बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, खाली चढ़ जाना, अकेलापन अकेलापन। नहीं, आपको सर, खालीपन आप और सर क्या उसको बोले, इंट्रोवर्ट टाइप बोलते हैं सर, इंट्रोवर्ट। डिजीनेस नहीं, आता है, मैं डिजीनेस समझाऊं जो आता समझाऊं, है सर, ये हाथ मैंने डिजीनेस ऐसे ही रख दिया 2 घंटे के लिए, तो जो यहाँ आता पे मेरे को क्या है, सो होगा? जाता है हाथ, सो जाता है हाँ, हाथ सो तो जाता है, तुम बस लोग, मैं वहां सोच पे सो नहीं जाता पाता, है, उसको गुजराती मत में बने, खाली वो चढ़ जाता वैसी है। वैसी वाली बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो ये चीज ये टेम्पररी है कि मैंने ये हाथ के ऊपर वजन रख के मैं 2 घंटा लेट गया तो मेरा 1 घंटे में वापिस आ जाएगा, बट वो जो बीमारी है उससे लगती हुई वो आपको साउथ साउथ वेस्ट का किचन देगा, राइट। फिर आता है सर साउथ वेस्ट, रिश्तों को जलाना, तो यहाँ पे तो जरा भी नहीं चलेगा। रेमेडी भी कुछ हद तक ही काम करती है यहाँ पे, येलो जैसलमेर पत्थर बहुत फेमस है। फिर आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, बचत को आग लगाना, तो यहाँ पे भी हमको किचन नहीं बनाना है। कहाँ पे फिर सर, आता है एक और वेस्ट, बात, फिर हाँ बचत को आग लगाना, बच्चे का पढ़ाई कौन में मन सा, भी नहीं लगेगा वेस्ट साउथ वेस्ट में। फिर फिर आता यहाँ है पे अगर ओवन ओवन रखे हैं तो ओवन और माइक्रोवेव, ओवन माइक्रोवेव चलेगा, क्योंकि वो आप ओवन और माइक्रोवेव में, अभी इंडिया में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम खाना उसमें बना रहे हैं, अभी भी हमारा प्राइमरी इक्विपमेंट हमारा गैस स्टोव ही है। या तो पॉपकॉर्न बनाए, पॉपकॉर्न के लिए, पॉपकॉर्न फोड़ने के लिए, या तो मैगी बनाने के लिए आप अगर, या कुछ कभी केक बना ली या कभी बेकरी आइटम्स बना ली उसके लिए यूज कर रहे हो, दैट इज ओके, वो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगेन वो हमारा कंसेप्ट, गर्मी टेम्पररी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सर, वेस्ट साउथ वेस्ट होने से क्या होता है सर? आपकी बचत में आग लगती है, बचत नहीं कर पाते आप पैसे, धीरे धीरे आपकी ओके बचत ऐसे ही खत्म होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये खर्चा कहाँ हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। फिर आता है वेस्ट, वेस्ट में किचन अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो न्यूट्रल, यहाँ पे हो तो आप रेमेडी करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये खाने से आपको पोषण नहीं मिलेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगा तो घर में कोई ना कोई एक या दो लोग बहुत ही ओवरवेट होंगे, तो यहां भी रेमेडी करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, यहां पे किचन का सेकंड ऑप्शन बोला गया है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी अगर किचन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं है। सर ओवरऑल अच्छी 16 जोन बात, में से हम बना सकते हैं साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। सर नॉर्थ वेस्ट की भी अच्छी मानी जाती है, नॉर्थ वेस्ट का सेकेंड ऑप्शन माना गया है साउथ ईस्ट के बाद। ओके सर, ठीक है जी, उसके बाद यस आता सर, है स्टोर रूम।
स्टोर रूम की आइडियल प्लेसमेंट कौन सी है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ साउथ ईस्ट में स्टोर रूम। ये स्टोर कौन सा है? अनाज का स्टोर की बात कर रहे हैं हम, कचरा रखने वाला नहीं। तो अनाज का जो स्टोरेज है वो पूरा साउथ वॉल पे और पूरा वेस्ट वॉल पे चल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सर एक बार दोबारा बता देंगे अली डायरेक्शन, साउथ साउथ पूरी साउथ की वॉल यानी साउथ जी। ईस्ट के सेकेंड पार्ट हो गया, और पूरी साउथ की वॉल और पूरी वेस्ट की वॉल यानी नॉर्थ वेस्ट का फर्स्ट पार्ट तक आप आपका स्टोर रूम बना सकते हैं। बट बेस्ट प्लेस हमारी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, उसमें भी दो जोन हमको माइनस करने हैं। इसमें से एक हो गया हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और दूसरा हो गया हमारा साउथ साउथ वेस्ट। और गलती से साउथ साउथ वेस्ट में आपने आचार रख दिया तो घर में इतने झगड़े होंगे कि आप पूछो मत। सर आपने वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद एक डायरेक्शन और साउथ अपार्ट फ्रॉम बोला था ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट दो नेगेटिव जोन हमारे, ठीक है। वहां पे नहीं बनाना है। और अगर साउथ साउथ वेस्ट में, ये अलग से एक चीज दिमाग में आई तो बता दी, कि साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपने आचार रख दिया ठीक है, तो आपके रिश्ते इतने बिगड़ेंगे घर के अंदर भीतर के दो लोग आमने सामने आने के लिए बात भी नहीं करेंगे। जैसे हमारे जो नंबर वन बिजनेसमैन है वो और अनिल जी, ठीक है, दो भाई थे, वो दोनों भाई एक ही घर में रहते हुए टाइम सेट करके निकलते थे कि भाई बड़ा भाई निकल गया तो अब मैं निकलू, या तो वो छोटा भाई आ गया है तो फिर मैं अभी घर से बाहर चला जाऊं। तो वैसी वाली जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में आचार आ जाए ना तो भी ये चीज हो जाएगी, ना कि खाली भाइयों में, माँ बाप में, भाइयों में, बेटों में, हस्बैंड वाइफ में, सास और बहू में, अचार ससुर भी और मतलब बहू में। खटास रिलेशन में खटास पैदा करता हूँ क्या बोल रहे हो? सर। पार्डन पार्डन, नहीं सुनाई दिया। अचार से रिलेशन खटास पैदा करता होगा रिलेशन से यस आके। यस यस। तो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में पूरा अवॉइड करना है। आज ही घर में चेक कर लेना, आचार नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक हमारा पड़ा है है? किचन और डाइनिंग से लेके, वैसे डाइनिंग के लिए हमने पहले ही दिन पढ़ा था, ठीक है, पश्चिमे भोजनम चैव, तो बेहतर। पश्चिम में भोजन गुरु सबसे बढ़िया देता है। इससे एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि जो हमारी कांटा चम्मच और चम्मच का जो स्टैंड है वो भी हमको खुला नहीं रखना है, उसको या तो हमें कोई कबड के अंदर रखना है या हमारे कांटे जो है उसको उल्टा करके अंदर की साइड रखना है। क्या नहीं रखना है सर? सर वाई कांटे, ऐसा मेरे को सर, इट आप इज जो नॉट रेसिपी पूछ कंसिडर्ड, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। जैसे सर ये एक एक बार चीज बता दो, वापस रिपीट कीजिए ना सर। सैम ये हमारा कांटा है, ठीक है, भाई कांटा बोलो चम्मच है हमारी, ये सैम, ये फॉर्क है हमारा, तो फॉर्क को हमको ऐसे सीधा नहीं रखना है, ठीक है, ये स्टैंड में उसको उल्टा करके हमको रखना है। आप दिख ही नहीं रहे हो। हाँ दिख मैं नहीं दिख रहा हूं? रहे हैं, दिख रहे दिख हैं सर। हूं, हाँ, ये हमारा फॉर्क है, तो फॉर्क को, अरे ये तो ड्यूअल साइड है, मिनट, हाँ, ये फॉर्क है हमारा, तो फॉर्क को कांटे उसके ऊपर की साइड नहीं रखने हैं, उसको उल्टा करके ऐसे रखना है। फूल अगेन डाइनिंग में जब आप भी हो और लग रहा है खाना उस टाइम पे करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 24 आवर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं रिश्तों में दरारें पैदा करती है। हाँ हमारे घर में होता है। ये सिर्फ फोर्क के लिए है कि स्पून के लिए भी है? साइड नहीं, फोर्क के लिए है, कांटे के साइड लिए है, ओके ठीक है। फिर अगर हमारा स्टोर रूम, चलो स्टोर रूम पे वापस आ जाते हैं, साउथ और वेस्ट की वॉल तो मैंने बता दिया, अभी नॉर्थ और ईस्ट की वॉल देख लेते हैं। नॉर्थ की वॉल में स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं ना बनाओ तो अच्छा है, नॉर्थ में आपका नहीं होना चाहिए, हो तो इतना गलत इफेक्ट नहीं है, बट नॉर्थ का हमको स्टोर रूम से ज्यादा पैसे के लिए उसका काम है,
तो उसको हम उस चीज में यूज करेंगे। फिर आता है हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तो जरा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना है, क्योंकि ये माइंडसेट में हमारा कटर क्लटर पैदा करेगा, हमारा विजन बिगाड़ेगा। फिर आता है हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी हमको नहीं बनाना है, ईस्ट में चल जाएगा, ईस्ट साउथ ईस्ट में चल जाएगा, अगेन साउथ ईस्ट पे पहुंच गए, साउथ ईस्ट पे भी चल जाएगा। सर एक बार ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, वो रिक्रिएशन लाइफ में दिक्कतें पैदा कर लेगा। सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं चलेगा ना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं चलेगा, सर? तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद सर क्या बताया था आपने? ईस्ट में चल जाएगा। तो सर ये स्टोर खाली सिर्फ खाने के ऊपर ही बात हो रही है या हम कुछ भी रख सकते हैं? खाने की बात चल रही है, अनाज का स्टोर की बात चल रही है, किचन के बाद अनाज का ही स्टोर आएगा ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, जी सर। चलिए जी, बेडरूम। अरे ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो बेडरूम कौन से तीन जोन में चलेगा ही नहीं, सबसे पहले तो ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अरे साउथ साउथ वेस्ट में, ये तीन जोन कैसे में तो चलेंगे ही नहीं। कभी सर? कौन कौन से जोन बताए सर? टॉयलेट वाले जोन, अभी आप अभी इतने पांच, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता, मेरे को वापिस से रिविजिट करना पड़ेगा। तीन जोन जो हमारे टॉयलेट के, वहां तो चलेंगे ही नहीं 101%। ठीक है, फिर आता है हमारा, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। पर्सन हाँ जी, कोई आवाज नहीं आई आपकी, कौन बोला? करूं मैं चालू? ओके, जी सर। नहीं नॉर्थ में बेडरूम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सर, नो नहीं सेट बनाना, मेरा नहीं होगा नो। नहीं बनाना चाहिए। अगर है और नहीं चेंज कर सकते तो वो सॉल्वेबल है, बट आइडियल प्लेसमेंट उसकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट हमको खाली रखना है, तो बेडरूम एक क्लटर हो जाएगा, क्योंकि आपका वार्डरोब आएगा, आपका बेड ओके आएगा, आपका सोफा आएगा, आपका स्टडी टेबल आएगा रूम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको नॉर्थ में नहीं करनी है, बट है अगर और चेंज नहीं कर सकते, देन इट इज सॉल्वेबल। नॉर्थ में अगर बेड है तो उसको हमेशा पैसों की ही पड़ी रहेगी वो जातक को, और वो अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर लेगा, तो हमको अवॉइड करना है। सर, आज ही मेरे पास एक कोई क्लाइंट थी, उन्होंने बोला मेरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है और उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड को पैसे 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 ही दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं दिखता। हाँ वैसा ही होगा, नॉर्थ में होगा मैडम, बेड उनका नॉर्थ में होगा, भले रूम नॉर्थ ईस्ट का है। हाँ बोली वो यही है कि नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में ही बोला उन्होंने मुझे, और बोला कि बच्चे के साथ भी उनको कोई रिलेशनशिप का कोई वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। हाँ मतलब ये लोग खाली पैसे के पीछे भागेंगे, नॉर्थ सर नॉर्थ दिस वेस्ट मीन्स पार्टी में पार्टी, नेगेटिव, नॉर्थ आ गया तो यही चीज होगी। सर दिस मीन्स इवन नेगेटिव सोर्स ऑफ इनकम पे भी फोकस चला जाता है या हाँ जैसे जी, काम है मतलब उसी वो में? कोई भी हद तक चाहे चले जाएंगे, सामने वाले को धोखा देने में भी सोचेंगे नहीं। पार्टनर से धोखा करने में भी नहीं सोचेंगे, तो ये होगा नॉर्थ का। फिर आता है हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, किनका बेडरूम चलेगा? बच्चों का और सीनियर बच्चों सिटीजन का, का, बच्चों दादा का दादी और सीनियर सिटीजन का। नॉर्थ ईस्ट ट्राई करते हैं हम खाली रखने का, किसी का बेडरूम ना आए सबसे बढ़िया, और अगर जगह नहीं है और किसी को वो रूम देना ही है तो एल्डरली और बच्चों के लिए ये चल जाएगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आइडियल प्लेसमेंट, बच्चों का बेडरूम। ठीक है, फिर आते हैं ईस्ट के बेडरूम में।
ईस्ट में बेडरूम मॉडरेट माना गया है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ईस्ट में, अगर बेडरूम में बोल रहा हूं, इसका मतलब ईस्ट में उसका बेड आना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट पे। ईस्ट साउथ ईस्ट लीड्स टू इनसोमनिया, यहाँ पे बेड नहीं आना चाहिए। वो डेटा वाले का भी बेड तो नहीं आना चाहिए। वहां पे टॉयलेट नहीं बनाना है जिनका डेटा का काम है, बाकी यहाँ पे बेड तो नहीं आना चाहिए, अच्छा राइट। फिर आता है नो साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट में बेडरूम अलाउड है? नहीं अलाउड है। और अगर करना ही है तो लड़की, फीमेल संतान जिनकी है, ठीक है, वो फीमेल संतान यानी हमारी बेटी के लिए ये चल जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट बहुत ही अच्छी जगह है बेडरूम के लिए। साउथ बहुत ही अच्छी जगह है, वन ऑफ द बेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में नहीं बनाना है। साउथ वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर, आइडियल प्लेस फॉर बेडरूम। वेस्ट साउथ वेस्ट अगेन वन ऑफ द आइडियल प्लेस फॉर बेडरूम। वेस्ट में भी अच्छा माना गया है बेडरूम। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट अगेन इज अ गुड प्लेस फॉर बेडरूम। दो भाई है अगर, एक का कमरा साउथ वेस्ट में, एक का नॉर्थ वेस्ट में, तो बड़े भाई को साउथ वेस्ट में सुलाओ, छोटे भाई को नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। जो हमारी बहन बेटी जिनकी शादी की उम्र है उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ तो भी अच्छा है। गेस्ट रूम, गेस्ट बेडरूम बनाओ नॉर्थ वेस्ट में, वो भी बढ़िया है। सर, अगर दो से ज्यादा भाई हुए तो? दो से ज्यादा भाई हुए तो तीसरा रूम कहाँ पे, आप बताओ। ना फर्स्ट फ्लोर में मेरा तो सोचा था ना, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ भी वेस्ट चलेगा, साउथ में भी चलेगा, साउथ साउथ ईस्ट में भी चलेगा, नॉर्थ नॉर्थ बेडरूम के लिए वेस्ट इतने तो। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो सबसे छोटा भाई। सर, सर सर्वेंट का साउथ रूम थोड़ा साउथ वेस्ट मुश्किल। में? हाँ जी, एक एक करके सर प्लीज। सर्वेंट का बेड कहाँ होना चाहिए? सर्वेंट का, सर्वेंट को हमको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है। किसमें रखना है सर? और सर सर्वेंट सेकंड ईस्ट ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट में। और सर सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा साउथ या साउथ साउथ ईस्ट में भी आप सर्वेंट को रख सकते हो। सर नॉर्थ साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट लगाओगे वो भाग जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में रखोगे आपके ऊपर चढ़ जाएगा, सर तो अगर साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट में रखा अगर तो वो। हाँ जी। सर साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम आ रहा है और अगर उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सर साउथ के हिसाब में रहे, जैसे आपने वो जो पिज्जा वाला कट बोला ना कि जैसे एक पिज्जा, जैसे ब्रह्मस्थान से वो पीज मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म में निकलता है क्योंकि रेक्टेंगल घर है, तो जी उस केस में सर जैसे कितना भी कर रहे हैं ना, तो वो क्योंकि घर रेक्टेंगल है तो मैक्सिमम साउथ साउथ वेस्ट वाली दिशा बहुत बड़ी हुई है, तो ओके, बेडरूम के लिए वही स्लॉट आता है, तो उसको अगर कम करके या उधर उसकी कोई रेमेडी करके कोई भी तरीके से, क्योंकि मेरा खुद रेमेडी का ही बेडरूम, पर्सनल बेडरूम था वहां पे, बेडरूम में अगर तो रेमेडी ना करो तो सबसे बढ़िया है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, अगर करनी है तो पॉसिबल है। हेलो, हाँ कौन सर बोल सुन रहा रहे हूँ। थे? हाँ हेलो सर सुन रहा हूँ, सर। बोलिए ना सर। हाँ जी, तो अगर साउथ साउथ वेस्ट बहुत बड़ा है तो एक तो तकलीफ ये देगा आपको कि फिजूल खर्ची आपकी इतनी बढ़ा देगा कि बहुत ही सर दिक्कत वो हो जाएगी। तो है ही सर, वो तो है ही, इनफैक्ट हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे जब से वो वहां से बेड हटा के मतलब थोड़ा सा साउथ में सोना चालू किया है, तब से हेल्थ में रिकवरी है 50%, हाँ बट तो वो नीचे बेडरूम नीचे नीचे गद्दा डाल के सोया करो, बेड नहीं खिसक वही रहा है सर, तो। अभी तो बेड तो हटा दिया सर वहां से, बेड हटा के अच्छा। साउथ में दूसरे रूम में रख दिया, बट अब सर वो घर का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, जैसे वो ट्राइंगल रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है, तो साउथ साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट समझ और गया, ये वो सब चारों, वो पूरी चार ग्रिड समझ चार गया मैं। कोन, हाँ वो चारों कोने एकदम बड़े हैं और बाकी का जी साउथ ईस्ट और ये सब एकदम छोटे छोटे हो गए हैं, तो अब दिक्कत जी है कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा है फिर भी।
कर रहे हैं, बट अब वो उसमें कलर मैंने वो थेरेपी से ही येलो करना पड़ेगा आपको, जो मैंने आपको समझाया ना, कि सर, किससे उसको एनहेंस करना है, किससे उसको एग्जॉस्ट करना है। सर वो एग्जॉस्ट आपका वाला तो आप बताएंगे ना ब्लो बाद में कि आपने बता कब दिया है सर? पिघला सर आपने कुछ बताया नहीं। नहीं ना अभी, साउथ साउथ वेस्ट को एग्जॉस्ट कैसे करेंगे सर अभी? अरे आपने सर वो साइकिल वाले में थे आप, जो मैंने क्लास लिया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको अपोज कर रहा है। हाँ वो तो पता है, वो तो स्टार्टिंग वाली हो जो हाँ, है एकदम तो वो फिर से स्टार्टिंग हम एक बार पढ़ लेंगे, जोन वाइज पढ़ लेंगे। ठीक वाली। ओके सर, है सर एक ठीक रेक्टेंगल है। हाउस का कोई परसेंटेज होता है अगर का किसी भी आप का? पढ़ाइएगा प्लीज। हाँ, जैसे कि ऐसा किसी का बेड जोन बेडरूम्स बड़े एक होते हैं, जोन छोटे होते एक हैं सर करके उसकी बोलो ना, वैल्यू। आपको दिक्कत है आप लोगों को? एक एक करके अभी मैं किसी का नहीं सुनूंगा। जी नीतू जी, आप बताइए। सर मैं यही कह रही मैं थी कि आप इस रेक्टेंगल हाउस का भी किसी का नहीं बताइएगा सुनूंगा, जितना। नीतू जी का ही सुनूंगा, उन्होंने हाथ खड़ा किया है इसके लिए। सर आप एक रेक्टेंगल हाउस के लिए भी रेमेडीज बताइएगा, कुछ जोन जिसमें बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और कुछ जोन बहुत ज्यादा छोटे। हाँ जी, वो केस स्टडीज में हम लेंगे ही 100%। जी सर, मैं जब हम बोलते हैं कि हमें बेड नहीं रखना है, कौन बोल रहा है नीतू सबसे पहले? सर। नीतू जी आप ही बोल रहे हैं? ओके हाँ नहीं सर मेरा बोलिए। हो गया सर। साउथ ओके ईस्ट में बनते कि बेड हमें नहीं रखना है, इट्स नॉट आइडियल प्लेस, बट जब हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा कि वो शुक्र का स्थान है, तो फॉर जी कपल अगर उनकी नहीं लग गई है तो क्या वो रख सकते हैं अपना बेड साउथ ईस्ट में? नहीं, ये वो वाला शुक्र नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये शुक्र ग्रह की बात है, वैसे वाला शुक्र नहीं है। ये फीमेल्स की जब हेल्थ की बात आती है, शुक्र यानी फीमेल को हम कंसिडर करते हैं, ना कि शुक्राणु वाला शुक्र, क्योंकि वो हमारी जगह हमको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दी हुई है, जहां पे हम अभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मुझे डिप्रेशन पे ही रोक दिया गया, वेस्ट पे ही रोक दिया गया। जी सर अमित एक जी चीज बताइए। रिकन्फर्म कर सकता हूँ? हाँ सर, जी आपने अभी बोला आई हैव जस्ट रिटन इट, जस्ट वांटेड टू रिकन्फर्म, अगर 3 से ज्यादा भाई हैं तो साउथ वेस्ट एल्डर के लिए, नॉर्थ वेस्ट मिडिल वाले के लिए एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यंगर के लिए, करेक्ट सर? जी यस डन सर, थैंक यू। जी। श्रेया आईफोन किनका लिखा हुआ था? जी, बताइए सर। सर जी, ऐसा है कि जैसे बॉम्बे है, यहाँ पे फ्लैट्स छोटे हैं और जैसे ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें साउथ वेस्ट भी आ जाता है, अपना साउथ साउथ वेस्ट भी आ जाता है, साउथ वेस्ट भी आ यस जाता है, और थोड़ा जी पोर्शन जो है वो साउथ का भी आ जाता है। जी समझ गया। तो उसको कैसे मतलब वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो तो बेड साइज से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ऐसा जो है यस, ये समझ गया मैं आपका, ये मैं ओके। मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स फेस करते हैं, समझ गया मैं आपका पॉइंट। तो ये केस टू केस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कंसीडर करना है, क्यों मेजर पार्ट उसका कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मेजर पार्ट में भी जैसे हस्बैंड वाइफ होता है, तो वाइफ हमारे लेफ्ट में सोती है, राइट, इतना पता है सबको कि हस्बैंड को राइट में सोना है, वाइफ उनके लेफ्ट में सोती है। तो अगर कोई उल्टा सो रहा है तो आज से शुरू कर देना वैसा सोना। ठीक है, तो सर उसी कुछ होता मेन है क्या सर? ऐसा दिया हुआ है कि पत्नियां वाम भागे, ऐसा लिखा हुआ है, वाम भागे यानी लेफ्ट साइड पे। अच्छा जब पूजा करते हैं तो वारिम वाम भागे, वारिम यानी पानी, हमारे जो भगवान को नहलाने के लिए जो पानी रखते हैं उसको लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड पे रखना है। वैसे ही जब सोते हैं तब पत्नियां वाम भागे। ओके सर। सर जी आप बताइए सर। हाँ जी सर, आप वही एक्सप्लेन कर रहे थे कि उसको हाँ डिवीजन करके फिर ये करना पड़ेगा ना, मतलब हाँ तो वो केस टू केस कैसे कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कैसे सो रहे, कुछ चेंज करना पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो केस टू केस ओके। बेसिस पे हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। एक्चुअली मैं मैंने सर इनका नाम पूछ रहा हूँ, ये इन्होंने ये फोन फोन की जिनकी शॉप है वो कब से आ था तो उनका खड़ा है, बट उनका नाम मुझे नहीं पता और वो बोल भी नहीं सर रहे। सर जी बोल रहे हैं कि दो दो चीज जानना है मेरे को। सर वेस्ट का जो मार्बल दिया हुआ है, वेस्ट में जो एंट्री है मार्बल दिया है, 4 आर 5 दिया है, उसका नीचे पत्ती देना है 5 को।
समझ नहीं आया सर, फिर से थोड़ा। व्हाइट मार्बल चल जाएगा वेस्ट में, व्हाइट में तो पांच में तो उसका टिक करना है, एक हो गया। सेकंड है साउथ वेस्ट कटा हुआ है, उसमें योलो कलर करना है, योलो बल्ब चला के, और उसमें नियर जो रिवर है, रिवर का इसे पत्थर ले आना जी है। पत्थर लाना है। येलो बल्ब नहीं ठीक करोगे फिर भी चलेगा, आप अगर आप येलो कलर कर रहे हो तो बल्ब हाँ की जरूरत नहीं है अच्छा। और एक तो बात जी। आप बोले थे जे क्रिस्टल देना है उधर एकदम, जी क्रिस्टल, पर मतलब हाँ क्रिस्टल। वो एंट्रेंस में हमको यूज करना है, अगर एंट्री आ रहा है साउथ वेस्ट में। ना साउथ वेस्ट में नहीं है, हमको साउथ वेस्ट में काट है सबसे कम है, माने 18% हाँ है, 100 में 18% हाँ है, तो वो क्रिस्टल से कर समझ। सकते हो, पर मैं अगर आप येलो कलर कर रहे हो और पत्थर ला के रख अच्छा रहे हो तो क्रिस्टल डालने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको, खाली फुकट पैसे नहीं बिगाड़ने हैं हमको। नहीं, और इसे नॉर्थ ईस्ट में मेरा तो आधा गिरा है और थोड़ा गिरा है ईएनई में। सर ईएनई में होता है किंतु नॉर्थ ईस्ट में बॉडी रहता है, तो उसका जो ग्रीन कलर से हम इंडियंस के मतलब चादर लगा मतलब क्या है के आपका नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका? बेड आ रहा है। बेड आ रहा है, ओके। हाँ तो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी तो उम्र वैसे भी ज्यादा है। ये तो बात सही है, बात वो नहीं हाँ बोलता, मैंने ग्रीन देने हाँ तो से कोई रेमेडी एनर्जी करने की होगा। जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नहीं बच्चा अगर कभी सो लेता है तो कोई सो बच्चे लेता के है तो लिए भी कोई इसलिए। रेमेडी की जरूरत नहीं है, अगर पूरा पुख्त वय का कोई इंसान सो रहा है तो रेमेडी करने की जरूरत है, और बच्चा कभी सो रहा है तो वैसे भी मैंने अभी बताया कि टेम्पररी चीजों को वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है? है, यही तो जानना खाली फोकट है। रेमेडी करने की हमको कोई जरूरत नहीं है जी। सर श्वेता जी अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम हो तो अवॉइड अनअवॉइडेबल हो तो फिर क्या करें? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है यस सर, तो हमको बेडरूम वहां पे नहीं रखना है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट करेगा। सर उसकी रेमेडी होती है कि होती ही नहीं है? रेमेडी नहीं ना करो तो ही बेहतर है। रेमेडी में भी आप देखो तो ब्लैक टूरमुलिन करके एक स्टोन आता है और हाँ जी टाइगर जाई करके एक स्टोन आता है, उसका जी प्लेसमेंट करके कुछ हद तक आप उसकी जो चीज है वो आप भी स्लो डाउन कर पाओगे, बट 100% तो ये ओके दिक्कत देगा देगा और देगा। सर, ओके सर, ठीक है, तो हम अभी कोई थैंक नया टॉपिक नहीं लेते, आपके जिनके क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं, क्योंकि वो फिर ड्राइंग रूम और वो सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज के दिन में जी। नेहा जी सर। मुझे दो पूछनी थी, एक तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बेडरूम अच्छा, वेस्ट साउथ में से बहुत ही अच्छा ना। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे जोन में शाफ्ट आ रही है तो वो जोन मतलब हमारा कटा हुआ है तो जी पर वो सर। आप कटा हुआ का भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा घर है राइट, हाँ जैसे ये हमारा घर है और ये घर में से इतना कटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इतना ही खाली, तो उसको कटा नहीं बोलेंगे हम। उसका एक रीजन है कि 30% से ज्यादा कम हो तो ही उसको हम कटा हुआ मानेंगे। आपने मेरा बार चार्ट की फाइल देखी होगी तो उसमें समझ आया होगा, देयर इज थ्री लाइंस। फर्स्ट इज अपर लाइन ऑफ बैलेंस, मिडल इज लाइन ऑफ बैलेंस एंड थर्ड इज लोअर लाइन ऑफ बैलेंस। तो लोअर लाइन ऑफ बैलेंस और अपर लाइन ऑफ बैलेंस के बीच का जो पार्ट है, लाइन ऑफ बैलेंस तो हमारी बीच में आ गई, बट वो जो पूरा पार्ट है बीच का, ठीक है, दैट इज अराउंड 30%। तो आपका अगर 30% से कम है तो ही आपको रेमेडी करने की जरूरत है, या आपको उस जोन से रिलेटेड कोई बहुत दिक्कतें आ रही है तो आपको उसको रेमेडी करनी है, वरना उसको हमें छेड़ना नहीं है। आपने जैसे बताया वेस्ट साउथ वेस्ट हमारा कम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 25% कम है हमारा, ठीक है, अगर हम बार चार्ट में देखें देन इट इज 25% लेस, यानी कि वो जस्ट लोअर लाइन के ऊपर उसका जोन का बार बन रहा है। तो अगर घर में बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी है, या बचत हो ही नहीं रही है, कुछ भी कर ले हम तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, वरना उसको ट्रीट मत करना, ठीक है सर।
राइट सर ये है जी रिपीट सागर कर दो जी, लाइन, किस किस पोजीशन में ट्रीटमेंट करना है सर? क्या बोल रहे हो ये जो लास्ट आपने रिपीट किया है, बच्चे पढ़ नहीं रहे और घर में जी? सेविंग नहीं हो रही है, किस जोन में करना है ट्रीटमेंट? आप कौन बोल रहे हो? बोल रही हूँ, बीच में आवाज चली गई थी हाँ माया जी आप बोल रहे हो, ज्योत्सना जी आप बोल रहे हो सर, मैं सर? ज्योत्सना। हाँ ज्योत्सना जी, अभी बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे और बचत भी नहीं हो रही, तो कौन सा जोन हुआ? वेस्ट हुआ ना सर, कहाँ से वेस्ट बेस्ट? आप साउथ, वेस्ट पढ़ते नहीं हो, खाली साउथ, क्वेश्चंस करते वेस्ट रहते हो। साउथ, वेस्ट साउथ, वेस्ट सर। यस, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर दिक्कत हुई तो वेस्ट, ये चीज हुई तो वेस्ट साउथ वेस्ट को ट्रीट करने की जरूरत है अगर ठीक कट है रहा सर, है तो। ठीक है ठीक सर, है ठीक है सर। तो पहले बार चार्ट में देख लूं कि कितना जोन अगर हाँ जी, वो लोअर लाइन ऑफ बैलेंस के नीचे हो तो उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, या लोअर लाइन, लोअर लाइन ऑफ बैलेंस और लाइन ऑफ बैलेंस के बीच में हो और अगर वो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको ट्रीट करने की जरूरत है। अगर आपकी बचत हो रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है उसको ट्रीट सर करने की? और पूछनी थी कि जैसे साउथ ईस्ट में किचन भी आ रहा है, बेडरूम का थोड़ा सा पार्ट भी आ रहा है, शाफ्ट भी आ रही है और वॉशरूम भी आ रहा है, बट डब्ल्यूसी जी नहीं आ, तो ओके, उसमें हाँ तो कोई दिक्कत और नहीं है, ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है ना डब्ल्यूसी नहीं है तो? नहीं है नहीं है, डब्ल्यूसी नहीं आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है ओके सर, थैंक यू जी। जी। जी आलोक जी, आपने वो मैप मांगा था ना, मैंने ग्रुप में डाल दिया ओके हाँ जी ठीक है। सर और वो कोई? अभी तक तो आप लोगों सर के जोन ही कंप्लीट नहीं हुए मुझे लगता है, क्योंकि जोन में ही आप सर लोग। मेरा हाँ मैप जी आया, मेरा जी 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 सर्वजीत जी, मैप हाँ जी जी विजय जी, आया सर हाँ जी, सर मैंने एक्चुअली एक्चुअली कुछ 5-6 केस स्टडीज ली है, सब ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शंस की, जी और थोड़े थोड़े से मतलब सभी के क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं वो ग्रुप पे डाल दूँ या कैसे करूँ वो उस चीज के लिए? ग्रुप पे डाल दो, वो सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि वो सबकी लर्निंग हो जाएगी फिर। ठीक है सर, ठीक वो मैप लिखा विजय जी करके मेरे वाला क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर, मैप को मैप लिखा ना विजय जी करके, क्या मेरा कोई मैप है? विजय जी आपका मैप मिल गया है, बट वो मैप हम सबका साथ साथ में लेंगे, जैसे पांच पांच या छह छह की बैच बना देंगे कि एक क्लास में 6 लोगों का मैप पे, मैप के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है यस सर, प्रिया थैंक जी, यू सर। जनरल क्वेश्चन, हाउ इफेक्टिव आर सॉल्ट लैम्प्स? सॉल्ट लैम्प्स आर इफेक्टिव बट ओनली ऑन इन द पार्ट ऑफ जो हमारे स्पेस एलिमेंट आता है उसमें ही वो इफेक्ट ज्यादा देते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड टू एनहांस और डिसइनफेक्ट, आई मीन आई नहीं डोंट नो नहीं हाउ नहीं इट वो वर्क्स। सॉल्ट लैम्प्स का काम है नेगेटिविटीज ओके को वो सक करना, ओके तो वो एनहेंस भी नहीं करेंगे, वो एग्जॉस्ट भी नहीं करेंगे, इट विल जस्ट गेट रिड यू ऑफ बैड एनर्जीज। सर, अ मिरर इन ईस्ट साउथ ईस्ट इज वाटर और एयर? वाटर, इट इज वाटर। सर ओके थैंक्स सर। साउथ साउथ वेस्ट में एग्जॉस्ट जो करना है उसके लिए क्या करेंगे? साउथ साउथ वेस्ट में एग्जॉस्ट करना है, रेमेडी मत पूछो, मैं बैकग्राउंड रेमेडी नहीं बताऊंगा। ओके सर एक जनरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं सर। है सर, ये भाविन सर ने जो ऑटो कैड का जो सेशन लिया था उसका रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया सर अभी तक। भाविन हो गया है, सर मैं अभी प्लेलिस्ट चेक कर रहा हूँ यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में उसको शायद वीडियो से नहीं रिलीज हुआ नहीं। होगा, आप वीडियोस में जाके चेक करो ओके सर। जी। शिवानी जी की मम्मी जी बताइए। सर आपने बोला था साउथ वेस्ट में किचन होगा तो पैसा बहुत देगा। मैंने कहा वो ऐसा बोला? नहीं सर। नहीं, कहां से अच्छा पैसा आएगा सर, साउथ वेस्ट में किचन होगा, रिश्तों हाँ को सर जलाएगा, मैं, ऐसा बोला मैंने। अच्छा अच्छा सर किचन आपने है फिर वहां कौन पर सा जोन बताया था पैसे के लिए? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। ओके सर, आग्नेयम पाक सदनम। साउथ ईस्ट में किचन होगा तो पैसा सही बहुत है देगा हाँ, है? क्योंकि क्या है अग्नि, मैं खाना आपको धुल इसका का रीजन भी समझा देता हूँ। पराठे होंगे और सब्जी सूखी होगी तो अपना लिया, हाँ सब्जी सूख गई, तो कैसरोल उठा चलो लेना पराठे का, स्टील वाला होगा जहां तक है, अरे कौन है और सूखी सर? सब्जी होगी तो वो उठा लेना।
सब खाना खाना जाना पड़ेगा अभी। हाँ सर ठीक हमको है। भी कुछ हाँ पूछना है तो आपसे। बैक टू सूखी हुई सब्जी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट में क्या है, जोन का नाम क्या है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है? फायर एंड कैश लिक्विडिटी। ठीक है, तो फायर कैश सर लिक्विडिटी हमारी साउथ ईस्ट से आती है, पैसा हमारा अग्नि से ही आता है। मैंने लेक्चर वन में शायद बताया ही होगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर पैसा मांगना है तो श्रियम इच्छे तो हुतासन, हुतासन नामक अग्नि है जिनसे हमको पैसा मांगना है। लक्ष्मी 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 करोगे, लक्ष्मी जी नहीं आएगी। लक्ष्मी जी ने बोला है कि मैं वहीं पे जाऊंगी जहां पे विष्णु जी जाएंगे। तो विष्णु भगवान का जो पैसा देने का जो स्वरूप है, दैट इज हुतासन नामक अग्नि विच इज प्रेजेंट इन साउथ ईस्ट। तो वहां पे आग जितनी जलेगी उतना कैश लिक्विडिटी आपके पास आएगी। ठीक है, फिर वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है उससे उसको मैटर नहीं है। ठीक है, साउथ वेस्ट आपने काट दिया तो आपका कहाँ जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट में आप सो रहे हो तो कहाँ जाएगा, वो उसकी मैटर नहीं है। बट साउथ ईस्ट आपको अगर अग्नि जल रहा है तो पैसा देगा। जी ठीक है मौलिक जी, सर। सर मेरा क्वेश्चन वो बेडरूम से भी रिलेटेड है। ठीक जी है, बोलिए ना। परसेंटेज वाइज कुछ होता है कि भाई आपका बेड 40% आ रहा है, 60% आ रहा है गलत जगह पे? क्योंकि हाँ, देखो आ रहा है। यस 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 ऐसा भी जैसे होता है नीचे के क्या? पार्ट में आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट में, तो पांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। ऊपर आ रहा है तो हार्ट से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। बट न्यूरोलॉजी कब देगा, जब आपका नॉर्थ ईस्ट भी आपका गलत हो। पूरा गंदा होगा, गंदा होगा। ठीक है, हाँ अगर किसी बंदे का 90% बेड साउथ वेस्ट में आ रहा है, ठीक है, और 10, तो जी, उसका क्या है? कुछ मतलब उतना हम कोई रेमेडी के इफेक्ट नहीं चक्कर देगा। में नाइन्टी सीखेंगे परसेंट और साउथ वेस्ट आ रहा बच है तो कोई जाएगा। रेमेडी भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सर अगर WNW में पैर आ रहे हो तो सर? ठीक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है सर। कोई रेमेडी भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, हम वास्तु जी सीख रहे हैं, ठीक है, तो अगर जी किसी को सीलिंग का डिजाइन और वो सब मैटर करता है क्या? मतलब सीलिंग का सीलिंग डिजाइन मैटर में, करता है, बट सीलिंग हमेशा हमको व्हाइट रखना है या ऑफ व्हाइट रखना है, तीसरा कलर नहीं नहीं आना चाहिए उसमें। नहीं पैटर्न वाइज पूछ रहा हूँ सर, मैं पैटर्न पैटर्न वाइज वाइज कोई पूछ दिक्कत रहा नहीं हूँ, है, कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं आती है। जैसे किसी ने, जैसे आपने आपके पीछे कैसा किया है, कट 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 करके पूरा ये आपने मैंने नहीं बनाया। किया, ये कोई दोस्त ने करवा के दिया है हमको, मुझे जरा भी अच्छा, पसंद तो नहीं क्या है ये। अगर किसी ने ऊपर कर दिया तो भी चलेगा? जी मतलब ट्रायंगल हाँ, बन क्या बोल रहे हो? गया ऐसा, कटिंग जैसे ट्रायंगल बन गया, किसी के रूम में स्क्वायर बन गया, किसी के रूम में सर्कल बन गया, तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती है? क्योंकि जहां तक नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा नहीं है सीलिंग में नहीं, सीलिंग एक अलग से ही एक पूरा टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अंटिल आपने लाल कलर या ब्लू कलर या ब्लैक कलर करवाया हो या ग्रे कलर करवाया हो। सर, उसमें सर लाइट घुसा देते हैं बहुत सारे लोग, ब्लू कलर लाइट पूरा सराउंडिंग रेड कलर, हाँ, तो उससे फर्क पड़ता है वही दिक्कतें दे रहा है ना वो, सर एक एक आजकल? समय के बाद आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू करेगा। सर मेरा एक सर क्वेश्चन है, जी मेरा जी जो बेड है ना, बेडरूम, मेरा जो बेडरूम है वो है एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ओके okay. और मैं जो सोता हूँ, मेरी वाइफ मेरे राइट साइड में सोती है और मैं लेफ्ट में सोता हूँ, तो ये जी ठीक है या इसका क्या नहीं, इफेक्ट आएगा? आपको चेंज ही करना है, इसका कोई इफेक्ट का बात नहीं है। अगर आपके राइट में वो सो रही है तो ये ऐसा दिया गया है कि ऐसा सोना है, हमेशा वाइफ हमारे लेफ्ट में होनी चाहिए। ओके, और बेडरूम का जी क्या रूपी करें का सर? बेडरूम तो अच्छा ही है ना, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो क्या दिक्कत है, वो गलत सर थोड़ी है कुछ। मेरी मैं वाइफ हमेशा का कस्टमर तो यहाँ आपको आपको या तो रहता है। बाहर से पैसा आएगा या आप बाहर जाओगे, हाँ आप एस्ट्रोलॉजर हो यानी आपका बार बार राइट, स्थान एक्टिव होने को है। ठीक है सर, थैंक। आगे मिसेज जी सारी उम्र मतलब राइट में सोती रही, बहुत बार हाँ कहा तो कहती नहीं मैं राइट में सो रहा हाँ हूँ। चल हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, उसका इफेक्ट का अभी इतना कुछ R&D हुआ नहीं है, ये हमको हाँ शास्त्र में दिया है, इसका वास्तु से भी कोई रिलेशन नहीं है। हाँ वही मैं कह शास्त्र रहा में हूँ, ऐसा दिया है कि वाइफ को हमेशा लेफ्ट में सोना चाहिए।
मैं कई बार कहता था कि लेफ्ट में छो, कहती थी राइट में छोड़ा। आप अर्धनारेश्वर की मूर्ति उठा के देख लो, ठीक है, उसमें शिव जी कौन से भाग पे, राइट मेरे और को आप पार्वती लेट जी आओ लेफ्ट में है, राइट। क्लास भी थी। ठीक है जी, सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सा। सर अभी हम जो मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैडम ने पूछा अभी कि इसमें मिरर है, अभी छोटे छोटे मिरर कहीं पे भी चलते हैं डिजाइन के लिए कि उसकी इफेक्ट रहेगी, राहु बन छोटे जाएगा वो। छोटे चल जाएंगे, बट साउथ वाली जो तीन दिशाएं है, साउथ 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 ईस्ट और साउथ ईस्ट, वहां पे अवॉइड करने हमें, क्योंकि पैसे के साथ कौन खेलना चाहेगा, कि पैसे मेरे कम आए वैसा कौन चाहेगा। साउथ और साउथ ईस्ट सर, और साउथ एक तो साउथ बात साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट अग्नि तत्व की सर, दिशा है। सर आप लोग मेरे वहां पहुंच को जाते हो, पता है क्यों नहीं चल जाता कि मिरर वाटर एलिमेंट है तो हम अग्नि तत्व में नहीं लगा सकते। नहीं, क्वेरी ये था कि बाकी की जगह पे चलेगा, मतलब आप जैसे बाकी की बोलते हो ठीक जगह है, पे मैं बाकी की चलेगा? जगह हाँ पे। जी चलेगा। अच्छा ओके डन सर। नहीं साउथ ईस्ट जी, सर, एक पर तो बात वो अगेन तो वही चीज है कि बेड के सामने नहीं आना चाहिए, और वो जो बेसिक रूल्स है वो तो आपको फॉलो करने ही है मिरर के। हाँ, सर बोल सर रहे सर। साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ना ना वेस्ट साउथ वेस्ट में मिरर है, किंतु उसका रिफ्लेक्ट आता है साउथ साउथ वेस्ट में। उसका रिफ्लेक्स साउथ साउथ वेस्ट में आता है, उससे दिक्कत नहीं है। आपका बेड नहीं दिखना चाहिए उसके सामने। ना बेड बेड नहीं आ रहा है, किंतु बड़ा जो मिरर है वो 5 फुट बाई 3 फुट है, उसका ओके, इफेक्ट जो WW वेस्ट में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही उसमें। डिस्पोजल का सर दिशा हो तो भी नहीं। बोल रहे जे नहीं 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 सर सर, एस्ट्रोवस तो थोड़ा कुछ रहेगा तो ऐसा उसमें ऐसा आप सोचोगे ना तो आप घर नहीं बना पाओगे। मैं सही जो बात अभी आपको समझा रहा हूं है। ना वो इतना है कि आपको, आप प्रैक्टिकली कोई भी घर कैसे डिजाइन कर सकते हो जिसमें आपको दिक्कतें ना आए, सही बात है ना सर। हेल्थ की ना वेल्थ की ना रिलेशन की ना आपकी सोशल लाइफ की ना आपकी रिलैक्सेशन की ना आपकी फेम की। तो हम वो सर चीजों पे एक ज्यादा फोकस करेंगे इसमें। एस्ट्रोवस्तु तो रहेगा ना सर, एस्ट्रो एस्ट्रोवस्तु वास्तु कहाँ रहेगा इसमें? इसमें देवता रहेंगे, और एस्ट्रो वास्तु कहाँ से सिखाऊंगा मैं? सर हमको भी आप मेरी बेसिक दुकान ही बंद करने पे तुले हुए हो। सभी आपको इसमें ही नहीं सिखा दू, एडवांस भी सिखा दू, सर, एस्ट्रो वास्तु भी सिखा दू। सर पूछना था सर एक क्वेश्चन पूछना अच्छा था। लगता है, इसलिए मैं कोर्स की भी इतनी कम रखता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना हाँ अच्छा लगता है। क्या सर, शिव बोल रहा हूँ आपको सर, एक क्वेश्चन मुझे पूछना। आपको पढ़ाना हो तो उससे पहले मुझे कुछ किताबें मैं रिफर करता हूँ, तो मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाता और दूसरी चीज सर, आप रेमेडी भी दे देते हो सर, ऐसा नहीं है कि आप अपने तकलीफ रखते हो, आप रेमेडी बहुत देते हो, तो रेमेडी देनी वो पड़ेगी, वरना आप करोगे कैसे आपके घर में कुछ काम, या आप दूसरों का भला कैसे कर पाओगे? नहीं सर, जी पांच दूसरे सारे क्वेश्चन है, क्लासेस फटाफट में फटाफट, चलिए चलिए सर चलिए मैं चलिए बोलने से चलिए। सर उल्टी आपका सबसे पहले याद क्वेश्चन करा नहीं था, बताइए। सर, एक क्वेश्चन है। जी सर ये वो मैं नॉर्थ के लिए बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं गैलेक्सी S23 यूज करो सैमसंग का, तो उस जी आप जो एप्पल के बारे में बताया था ना ट्रू नॉर्थ का, तो इसमें कोई ऑप्शन है सर करने इसमें है ना, मेरे पास भी है देखो, का? ये रहा, कहाँ दिख रहा है आपको? बट ये 90% टाइम गलत ही दिशा दिखाता है। तो सर क्या एप्पल लू अभी इसके लिए? हाँ एप्पल नहीं लो, गूगल अर्थ से ही निकालो। भैया ओके अगर साउथ ईस्ट में सबको किचन खर्चा ना करना हो, बहुत अच्छा लगता है, आप काम करो सब, मेरे को पैसा ज्यादा दे दो, डबल फी कर दो। अभी खाली डायरेक्शन देखने के लिए 1 लाख रुपए खर्चने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मतलब मैं मोबाइल चेंज कर लूंगा वो बोल हाँ नहीं करना है, पर क्यों जरूरत है? हूँ। अच्छा जी रूपिका जी, सर भैया अगर साउथ ईस्ट में किचन ना हो और मतलब उसका अच्छे वो लेने हो, मतलब तो क्या करें वहां पे? 24 घंटे का दिया, 24 घंटे का दिया, कौन से, सरसों के तेल का या मतलब कोई देसी? भी तेल का, मुझे अग्नि से मतलब है, सरसों से अग्नि हो, केरोसिन से हो, किससे भी हो। ले क्या कोई लो और? पैसे हाँ जी कौन, क्या दे रखे हैं सर? रेड बल्ब भी जला सकते हैं ना वहां पर? रेड बल्ब भी जला सकते हैं, बट 24 घंटे का दिया जो है वो आपको ज्यादा इफेक्ट देगा, क्योंकि आप अग्नि में अग्नि दे रहे हो। सर तो हाँ जी
सर हमको पूछना था आपसे, सर पूछो पूछो। SSW में सर आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ईस्ट की वॉल पे सिरहाना कर सकते हैं क्या सर? तो हाँ कर सकते हैं ना, ईस्ट की वॉल पे अच्छा सर ही है फिर भी सर, मतलब पांव सर आएगा SSW में सर, पाँव थोड़ा आएगा वो चलेगा मैडम जी, तो सर ईस्ट सर सर को ईस्ट में बचा कर, लीजिए। तो ईस्ट में सर कर ले, हल्का सा टर्न होगा हाँ बस इतना ही जी होगा सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कार का चलेगा। और एक्सीडेंट सर हो गया। साउथ ईस्ट में अगर गोल मिरर हो सर तो उसको हटा देना है क्या? साउथ ईस्ट में गोल मिरर हो, हाँ उसको हटा देना है। एक दूसरी चीज आपको बता दूँ, जब तक हमारा क्लास खत्म नहीं होता ये पूरा मतलब कोर्स हमारा, तब तक घर में कोई चेंजेस मत करवाना, सर मेरा ये कहना था कि सर मेरे जो हर रोज पढ़ वर्कर, के, हर रोज पढ़ के आप घर में चेंजेस मत करना, क्योंकि वो आपको दिक्कतें देगा, कई बार ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। पूरा तो सर कोर्स पढ़ लो, समझ लो डिटेल में, तो ठीक है, सर आप फिर घर में लास्ट चेंजेस में, करवाना। सर लास्ट में आप देखोगे क्या सर लेआउट सबका? हाँ तो देखेंगे ना, आप पर देखने दोगे तो ना, मेरा कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा। फिर सर अभी कोई तीन चेंजेस नहीं करूंगी लेक्चर सर, लेट जब चल आप रहे हैं हम लोग। सर आप देख लेंगे तो ही चेंजेस करेंगे सर। ठीक हाँ मेरा है क्या सर, दिक्कत ये है ठीक है सर कि जी, वो इंजीनियर चलो काम चालू है सर, और इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं, वरना कौन अदरवाइज एक बोल बार रहे हो हैं पर, जाएगा। वो तो बताओ। मौलिक बोल रहा हूँ सर, मौलिक हाँ हैदराबाद मौलिक से। भाई, पर आपको दिक्कतें हो तो भाविन का नंबर है ही आप सबके पास, आशीष भाई हाँ का है, कुछ ऐसा अर्जेंट कुछ अटक गया है तो आप उनको मैसेज करो, मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ओके सर, हर रोज के हजारों मैसेज गिरते हैं, तो आप मुझे एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप कॉल कर सकते हो कि भाई वो भेजा है मैंने, मैं हाई कर रहा हूँ, आप देख लो, ठीक है सर, ठीक ठीक है? है सर, ठीक चलिए जी, नमस्ते, गुड नाइट, है, नमस्ते कल सर, मिलते थैंक हैं। सर इसकी यू, थैंक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? यू सर। राम राम सर। तो कुरान